मेहनत तो पूरी शिद्दत से प्रत्येक बैच में करते ही हैं, लेकिन जब हम किसी कमांड बैच में होते हैं तो हमारा सिखाना एक सीमाओं में बन जाता है, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हम सीमाओं में बंध के आपको पढ़ाते हैं। इस पाठ्यक्रम के हिसाब से इतनी रीजनिंग पढ़नी है, इस पाठ्यक्रम के हिसाब से इतनी रीजनिंग पढ़नी है। एक टीचर के लिए सबसे शानदार बैच होता है इंडिविजुअल बैच, क्योंकि यहां पर उसका सिखाना किसी सीमा में नहीं बंधा होता, बल्कि वह पूरी आजादी से आपको सिखा सकता है। कितना भी चाहे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रख सकता है, कैसे प्रश्नों को हल करा सकता है, वो आईएएस के प्रश्नों को भी ले सकता है, वो कैट के प्रश्नों को भी ले सकता है, वो बैंक पीओ को भी ले सकता है, वो यूपीएसआई को भी ले सकता है, वो एसएससी को भी ले सकता है, और वो यूपी ट्रिपल एससी के भी प्रश्नों को ले सकता है। तो यहां पर जब ऊपर से लेवल ऑफ डिफिकल्टी से नीचे की तरफ आते हैं और सिखाने की प्रक्रिया में जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस बैच के पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बैच की। इंडिविजुअल रीजनिंग का जो बैच है वो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बैंक की परीक्षा दे रहे हो, आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, या आप किसी भी स्टेट कमीशन की परीक्षा दे रहे हो, आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहां पर हम आपको वास्तविक सिखाते हैं कि समय के साथ ज्ञान क्या होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पीछे आप बहुत सारे शब्द देख रहे हैं जो आपकी सफलता के रूप में प्रमुख कारक के रूप में होते हैं, जैसे आपने देखा हार्डवर्क, जैसे आपने ड्रीम, गोल, सक्सेस, प्लानिंग, अचीवमेंट। लेकिन एक शब्द आप बीचों बीच देख रहे हैं, मैं अगर रीजनिंग की भाषा में आपको समझाऊं तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। प्लेस वैल्यू तो आप जानते ही है, एक प्लेस वैल्यू एक की, टी की प्लेस वैल्यू 20, इसकी भी 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू फिर से 20, यू की प्लेस वैल्यू 21, डी की प्लेस वैल्यू 4 और ई की प्लेस वैल्यू 5। आप गौर से देखिए, अगर हम सारी प्लेस वैल्यू का सम कर दें तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 आती है, और 100 का मतलब होता है 100%। इसका मतलब यह है कि किसी भी तैयारी से पहले हमारी मनोदृष्टि, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड ही तय करता है रीजनिंग की भाषा में कि हम उस लक्ष्य को कितनी बेहतरी से प्राप्त करेंगे। इंडिविजुअल बैच में कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ट्रिक्स भी होंगे, सवाल भी होंगे, पहेलियां भी होंगी, गेम्स भी होंगे, और जीवन जीने की एक कला होगी। क्योंकि मैं वैसे भी कहता हूं कि रीजनिंग का सीधा संबंध आपके जीवन से है। मैं बताता हूं, अगर घड़ी खराब समय खराब, कैलेंडर खराब ग्रह नक्षत्र खराब, डायरेक्शन खराब दिशा और दशा खराब, और गलती से अगर ब्लड रिलेशन खराब हो गया पूरा जीवन खराब। जीवन के सभी पक्षों से, सभी विषयों से आपका रीजनिंग जुड़ा हुआ है, और यहां पर आप रीजनिंग को महसूस करेंगे वास्तव में कि रीजनिंग होता क्या है। क्योंकि किसी एक बैच को लक्षित करके जब नहीं पढ़ाना होता है तो एक खुली आजादी होती है कि कैसे हम इस चीज को आपको बता सकते हैं और आपका विकास कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि ना केवल यहां पर आप करियर अपने एग्जाम्स के लिए बनाएंगे, बल्कि इस सेगमेंट को मैं आपको इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा कि यहां पर आप अगर पढ़ाने के इच्छुक हैं तो मैं वादा करता हूं इस 3 महीने के बैच के बाद आप इतने ही बेहतर तरीके से, सहज तरीके से बोलेंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे जितने सहज तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं। बस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका एटीट्यूड, मनोदृष्टि, हिंदी में रवैया, मनोदृष्टि जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि यही एटीट्यूड आपका तय कर देगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे वहां पर आप 100% सफल होंगे। तो आइए एक अलग दृष्टिकोण से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले, या इसके पाठ्यक्रम की चर्चा को शुरू करने से पहले, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 5 मिनट में सारी चीजें आपको कंक्लूड करूंगा और आपको उस ओर ले चलूंगा जो पहला टॉपिक है, जहां पर मैं आपको महसूस कराऊंगा कि समय के साथ ज्ञान का होना कितना जरूरी है। मैं 2 मिनट में आपको इस चीज को समझाता हूं। आपकी जो नॉलेज होती है किसी भी विषय की या किसी भी भाग की, वो 2 प्रकार से होती है। एक तो आपकी नॉलेज होती है समय के साथ, समय के साथ जो ज्ञान होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। और एक आपका ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान में आपका टाइम आपके साथ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि 2 तरह के परीक्षार्थी होते हैं। एक परीक्षार्थी ऐसा होता है कि जो एक दिन में 14 घंटे पढ़ता है लेकिन 5 साल की तैयारी के बाद भी वो सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको नॉलेज तो सब है, जब आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो समय के साथ नहीं है। क्योंकि अगर आपको पूरी रीजनिंग आती है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 30 मिनट में 50 प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं, 25 मिनट में 50 प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो ज्ञान है वो समय के साथ नहीं है।
कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने की जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो बेटा ये होती है मेरे प्यारे बच्चे कि आपका जो ज्ञान होना चाहिए वो समय के साथ होना चाहिए। और आपने दूसरा वर्ग एक परीक्षार्थियों का ऐसा देखा होगा जहां पर वह केवल दिन में 3-4 घंटे की एवरेज स्टडी करते थे, 7 महीने उन्होंने तैयारी की और वो सफल हो गए। इसका मतलब है आपका जो समय है वो हार्ड वर्क का तो है, लेकिन हार्ड वर्क आपके एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब आप 20-20 खेलते हैं तो वहां पर स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। स्मार्ट वर्क का मतलब ही ये है कि अगर आप परीक्षा में स्मार्ट वर्क कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपका ज्ञान समय के साथ है, आपको रीजनिंग भी आती है और आपको यह भी पता है कि हमें 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, हमें बड़ी बड़ी पजल्स कैसे बनानी है, हमें आईएएस में सीसेट का पेपर कैसे हल करना है, हमें यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर्स का नेचर है वो कैसा है, हमें उनके क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आईएएस की प्रवृत्ति के हैं, आईएएस में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बैंक पीओ की प्रवृत्ति के हैं, बैंक में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्टेट कमीशन के लिए जरूरी है इसमें पूछे जाते हैं, ये आपके एसएससी के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा 3.5 महीने हम लोगों को लगेंगे, 3 से 3.5 महीने। आप इस जीवन में कभी भी रीजनिंग अगर किसी को पढ़ाना चाहे मैं इतना दक्ष आपको कर दूंगा कि आप वहां पे वास्तव में रीजनिंग को पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं, शुरुआत में मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं और इतनी ही बात को लेकर बाद में संदीप सर भी आपसे इंटरेक्शन करेंगे, अपने तरीके से वो गणित के विषय में बताएंगे। तो आइए हम इस पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं और आपको पाठ्यक्रम देख के ही समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने जबरदस्त तरीके से आपका ये बैच प्लान किया है। एक दूसरी बात, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ही कक्षा में आप ये महसूस कर लेंगे कि वास्तव में आपकी सोच में आपकी पढ़ाई में क्या अंतर है और एग्जाम के लिए जो आपको स्टडीज चाहिए वो स्टडीज आपको कैसी चाहिए। आइए इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें, जिसको आप हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं, हम टोटल रीजनिंग में देखें तो लगभग 44 टॉपिक आपके बनते हैं जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। हम सभी लोग वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स को जानते हैं, जैसे आपका पासा है, घड़ी है, कैलेंडर है, डायरेक्शन है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, ब्लड रिलेशन है, कोडेड रिलेशंस है, रैंकिंग है, अरेंजमेंट है, सिक्वेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन है। ये पूरा आपके पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को पीडीएफ फॉर्म में नीचे भी लगाया गया है जिसको आप डाउनलोड भी बड़े आराम से कर सकते हैं। वर्गीकरण है, क्यूब है जिसको आप क्यूब कहते हैं, घन है, क्लासिफिकेशन सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क शक्ति, मशीन इनपुट आउटपुट जिसको आप हिंदी में आगम निर्गम कहते हैं, बाइनरी लॉजिक या बाइनरी नंबर्स, मैट्रिक्स आव्यूह, पहेली, पजल टेस्ट, असमानताओं की जांच जिनको आप इनइक्वलिटीज कहते हैं, तार्किक आरेख जिनको आप वेन डायग्राम कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की लुप्त श्रृंखला जिसको आप मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज कहते हैं, लिपकीय तर्क शक्ति जो बेसिकली बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो देखते हैं कि लिपकीय तर्क शक्ति से वहां पर इनके क्वेश्चन आते हैं। इसका एक मैंने ब्रेक सिलेबस भी बनवाया है, मैं उसको भी आपको एक मिनट में दिखाता हूं। फिर आपका एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे जो लोग बैंक पीओ के पेपर देते हैं, बैंक पीओ में एसबीआई पीओ देते हैं, आप नाबार्ड देते हैं, आरबीआई देते हैं, या आप आईएएस का पेपर देते हैं, या आप लोअर पीसीएस के मेंस को देने जा रहे हैं, तो इस तरह की रीजनिंग आपसे ज्यादा पूछी जाती है। न्याय निगमन जिसको आप सिलोलिज्म कहते हैं, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, है ना, ये आपका परिच्छेद एवं निष्कर्ष है, कारण एवं प्रभाव है, डाटा सफिशियंसी है ना, और आंकड़ों के अनुसार निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग डाटा बेस्ड है आपकी, समंकों पर आधारित विवरण जिसको आप पाई चार्ट, सारणीयन, वक्र ये भी कहते हैं, ये भी इसी तरीके से आपको पूरा बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो नॉन वर्बल का हिस्सा है आकृति की गणना करना, फिगर काउंटिंग, आकृति को पूर्ण करना, छिपी हुई आकृति को दिखाना, हिडन फिगर इसको हम लोग कहते हैं, छिपी हुई आकृति को खोलना, है ना, आकृति को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ द फिगर, मिरर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, कागज को काटना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वर्क को पूरा करना, सह संबंध, सादृश्यता जो आपकी पिक्चर एनालॉजी और पिक्चर क्लासिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें, वर्गीकरण और श्रृंखला, लगभग 44 टॉपिक में हम लोग देखें तो आपकी रीजनिंग बटी हुई है ना। आइए अब मैं एक चीज और बता दूं, इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, जैसे आप लोग लगातार परेशान है,
आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एंट्री एम प्लस आर या एंट्री एम आर लिखकर भेज देना है प्रवेश से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए। व्हाट्सएप एंट्री एम आर व्हाट्सएप पर लिखना है, क्लियर है, या नीचे दिए गए नंबर है आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फोन करके भी इस बैच से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। और प्रवेश जो आपके है वो 15 जुलाई तक खुले हुए हैं प्रवेश जो है। अब इस बैच में ऐसा नहीं होगा कि प्रवेश आपके चल रहे हैं, प्रवेश जो आपके हैं वो 15 जुलाई तक खुले हुए हैं और एंट्री एम प्लस आर आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है, ये पूरी प्रक्रिया। अगर हम इस सिलेबस को देखें और विस्तार पूर्वक इस सिलेबस को देखें तो मैंने यहां पर आपके लिए यह भी तय किया है कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पासा आपको पढ़ना है, आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। तो पासे में कितने भाग होते हैं, जैसे पासे की पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना, पासे का प्रसार एवं अंकन, पासे का घुमाव, खुला पासा एवं बंद पासा, रिक्त सतह को भरना। इस ब्रेक सिलेबस को जैसे देखिए क्लॉक में क्या क्या पूछा जाता है वो पूरा क्लॉक का ब्रेक सिलेबस है, और कैलेंडर में क्या क्या पूछा जाता है ये पूरे कैलेंडर की चैप्टर प्लानिंग है। इसी तरीके से मैं पूरे आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, ये पूरी चैप्टर प्लानिंग भी आपके लिए है, और ऐसे मैंने पूरे 44 टॉपिक की चैप्टर प्लानिंग की है जिसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप उस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग पैन इंडिया लेवल पर जबरदस्त तरीके से आपका विकास करने के लिए तैयार है, आपसे इंटरेक्शन करने के लिए तैयार है। एक वादा है, इस बैच को करके जब निकलेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपने जीवन में कुछ किया है या जीवन में कुछ सीखा है, क्योंकि इस बैच का आनंद ही अलग होगा, इस बैच का माहौल ही अलग होगा। आइए आज से ही हम पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं और एक टॉपिक हम आज के ही लेक्चर में पूरा खत्म करते हैं। इस टॉपिक को एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं से लेकर स्टेट कमीशन तक पूछता है और आपका ये टॉपिक गलत होता है। 2 प्रश्न लगभग इस टॉपिक से हर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आप आज ये महसूस करेंगे कि अगर सही तरीका आपके पास हो तो ये जो टॉपिक आप गलत करते हैं जिसमें समय ज्यादा लगाते हैं, इन दोनों ही चीजों से बचा जा सकता है और आसानी से आप इन टॉपिक्स को हल कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ये है कि प्रत्येक टॉपिक किसी न किसी कोट पर आधारित, किसी न किसी टैक्टिक्स पर आधारित है, केवल आपको उसको डिकोड करना है। उससे पहले मैं 5 सेकंड में आपको ये बताता हूं कि इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। 4 महीने का आपका ड्यूरेशन है जो मैक्सिमम है। पर डे आपकी 2.5 घंटे की क्लासेज होगी जिसमें 1.25 घंटे आपका मैथ होगा और 1.25 घंटे आपका रीजनिंग होगा। और ये मैथ और रीजनिंग जो आपका होगा ये लाइव क्लासेज होगी, पर डे क्लास लाइव होगी। ये प्रमोशन वीडियो, आप डेमो वीडियो भले आप जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं लेकिन क्लासेज आपकी लाइव होगी। और एक बात, जितने भी डेमो आपके वीडियो जी आएंगे, प्रत्येक डेमो में आप एक टॉपिक आपको ऐसा तैयार कराऊंगा जो आप जीवन में कभी ना तो भूलेंगे और आप उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो पर डे 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, 100 क्वेश्चन की कम से कम सीट होगी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अनुसार बटे होंगे, है ना। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट होगी उस पूरे सेगमेंट से, उस पूरे टॉपिक से। पीडीएफ नोट्स हम हैंड रिटन आपको देंगे, जो टॉपिक हम आपको बताएंगे जितना पढ़ाएंगे उसका हम ही लोगों की हाथों से लिखे हुए जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके पास पहुंचेंगे। सपोज के लिए मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया तो क्लॉक का हैंड रिटन नोट्स हम आपको देंगे, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट, कोई टॉपिक खत्म हुआ सीट अलग है, हम आपका एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम आपकी दक्षता को जांचेंगे और हम आपको बता देंगे कि किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन किस परीक्षा के लिए जरूरी है सीखना। डाउट सेशंस आपके होंगे, इतना सब कुछ होगा केवल इसी बैच में एक साथ। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि एक टॉपिक आता है आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन, वैसे तो बहुत बड़ा है, हम 9 भागों में बांट के आपको अल्फाबेटिकल सेक्शन को पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक टॉपिक हमारा यहां पे आता है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज हम इस टॉपिक को कहते हैं। 5 टाइप के प्रश्न यहां से बनते हैं और एक मिसलिनियस टाइप होता है जो 6th टाइप होता है। अगर हम इन 6 टाइप को अच्छे से समझ लें, देख लें, जान लें तो आज से आपका कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसएससी सीजीएल से लेकर एसएससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं, स्टेट कमीशन की परीक्षाएं होती हैं, वहां पर ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। तो आप देखिए कि कैसे आप समय व्यर्थ करते थे और कितना आसान होता इस टॉपिक को देखना और इस टॉपिक को हल करना।
सबसे पहले दो प्रश्न आपके यहां पर सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्मार्ट तरीके से समझिए, देखिए कैसे रीजनिंग को आपको पढ़ना है। अब इन दो प्रश्नों में ये पहला प्रश्न है, इस प्रकार की जब श्रृंखला होती है तो इस प्रकार की श्रृंखला को आप देख रहे हैं, इनमें अक्षरों के जो समूह है वो रेंडमली लिए गए हैं, कोई अक्षर का जो ग्रुप है वो दो का है, कोई तीन का है, कोई चार का है, कोई एक का है। हम इस प्रकार की श्रृंखला को कैसे पहचाने? इस प्रकार की हम लोग श्रृंखला को कहते हैं अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं? अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। नाम से ही क्लियर है, अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अक्षरों के सभी समूह आप देख रहे हैं समान नहीं है। अगर अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला आती है तो आप ऑप्शन से चेक करने लगते हैं, यही प्रक्रिया गलत है। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करना तो नितांत आसान है। कैसे? जब भी अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला आए आप क्या करिए, बिना गैप के अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव करिए। सबसे पहले क्या करना है सीखते चलिए, बिना गैप के अक्षरों के सबसे बड़े समूह का आप चुनाव करिए। जैसे यहां पर बिना गैप के अक्षरों का सबसे बड़ा जो समूह है वो बताओ बेटा क्या है, बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर वो समूह है CBBC। बिना गैप के अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव कर लिया। अब आप देखिए कि श्रृंखला के प्रारंभ से कहां पर आपको वो समूह मिलना शुरू हो रहा है। जैसे समूह का पहला अक्षर क्या था, सी, तो ये समूह श्रृंखला के प्रारंभ से यहां पर आपको मिल रहा है ना, तो सी तो लिखा है। अब इसमें से मिसिंग क्या है, बी, आप इस बी को यहां पर भर दीजिए, कुछ नहीं करना है। असमान समूह वाली श्रृंखला जैसे ही दिखे बिना अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव करिए और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वो समूह मिलना प्रारंभ हो रहा है वहीं से उस समूह के अक्षरों को भरिए। सी को आपको भरने की जरूरत नहीं है, जैसे समूह आपको मिला था CBBC, सी ऑलरेडी भरा है, बी आपने भर दिया। जैसे ही आप पहले फिल इन द ब्लैंक्स को क्लियर करेंगे ये देखिए आपका एक समूह बन जाएगा ACBB, है ना। देखिए क्या बना, ACBBCA, है ना, ACBBC। देखिए यहां से यहां तक लीजिए ACBBC, फिर देखिए ACBBC, फिर देखिए ACBBC और फिर देखिए ACBBC और इस श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई। हमने क्या किया, बिना अक्षरों के समूह के सबसे बड़े समूह उसको समूह गैप बिना गैप के अक्षरों के सबसे बड़े समूह को चुना, इत्मीनान से समझिए, और श्रृंखला के प्रारंभ से उस समूह को खोजा, जो अक्षर रिक्त स्थान में था उस समूह को भर दिया, और यहां पर भर होने के बाद जब हमने देखा ACBBC और फिर से इस A का रिपीटेशन हो रहा था तो जो समूह यहां हमें मिला था उसी समूह को हमने कंटिन्यू कर दिया ACBBC, और हमारी यहां पर श्रृंखला क्या हो गई, पूर्ण हो गई। जैसे अब साफ साफ कर दे, हमने अक्षरों के सबसे बड़े समूह को चुना और हमने उसको यहां से भरा ACBBC, फिर ये रिपीट हो गया ACBBC, फिर ACBBC और फिर ACBBC और हमारी श्रृंखला क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब हमें श्रृंखला को केवल पहचान के ये तय कर लेना है कि हम इसका उत्तर कैसे करेंगे। जैसे अब नीचे आपको दूसरी श्रृंखला दिख रही है तो सबसे पहले तो आप श्रृंखला को पहचानेंगे। तो जब आपने श्रृंखला को देखा बेटा तो आपने तुरंत देख लिया कि असमान समूह वाली श्रृंखला है, क्योंकि कहीं तीन है, कहीं चार है, कहीं एक है। तो हमारी प्रक्रिया तो आसान है, हम क्या करेंगे, अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव करेंगे। तो बिना गैप के अक्षरों का जो सबसे बड़ा समूह है बेटा वो कौन सा है, तो आप कहेंगे ACCBB। अब गौर से बेटा आप देख रहे हैं ACCBB अगर हम प्रारंभ से खोजने की कोशिश करें तो इस समूह के दो अक्षर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हमें केवल तीन अक्षरों को भर देना है। ये कोडिंग डिकोडिंग है, टैक्टिक्स है, ये तरीके हैं, उन तरीकों को आपको अगर सीख लिए कभी गलत नहीं होगा। इन्हीं छह तरीकों पे सवाल आपके बनते हैं। तो अगर यहां पर हमने लिखा ए और ये क्या हो गया सी और ये क्या हो गया सी, तो अब देखिए हमारा एक ग्रुप बन गया ACCBB, है ना। फिर देखिए अब यहां से इसको हम ब्रेक करेंगे क्योंकि फिर से ये रिपीट हो रहा है ACCBB। अब फिर देखिए ACCBB और फिर देखिए ACCBB, तो यहां पे क्या होगा ACCBB और हमारी श्रृंखला क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।
तो अब आपको टाइप वन समझ में आ चुका होगा। टाइप वन को हम क्या कहते हैं? अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला, बिना अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है श्रृंखला के प्रारंभ से, जहां से वो समूह हमें मिलना शुरू कर हो रहा है उसको हमको भरना है। जैसे ही हम भरेंगे हमारा कॉमन सेंस यहां से बता देगा कि यहां से अक्षर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन को नहीं लेना है, रिपीटेशन से श्रृंखला को ब्रेक कर देना है और ये आपका टाइप वन जो है अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से अगर हम टाइप टू की तरफ बढ़े, चलिए अब देखिए टाइप टू में क्या अंतर है। ऐसे अब जैसे ये देखिए आपके दो सवाल लिखे हुए टाइप टू के। अब देखिए टाइप वन क्यों नहीं है, क्योंकि टाइप वन का आपने जो नाम दिया था वो क्या दिया था? अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। अब यहां पर आप गौर से देख रहे हैं, यहां पर अक्षरों के सभी समूह इक्वल हैं, समान हैं, तो इसको आप कहेंगे अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला। तो अब ये टाइप वन से जब हम निकले तो हम टाइप टू पर आए, और टाइप टू क्या है यहां पर? अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला, है ना, इक्वल। अब देखिए अक्षरों के सभी समूह समान है, बहुत आसान है, हमें क्या करना है? देखिए जब किसी लैंग्वेज को हम सामने से पढ़ते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है उस लैंग्वेज का लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है उस लैंग्वेज का राइट होता है। अब गौर से देखिए, जब भी अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला बेटा कभी भी परीक्षा में मिले, बिना परेशान हुए सबसे राइट हैंड साइड में, सबसे आर एच एस में जो समूह मिले, आंख बंद करके उस समूह को उठाइए और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान खाली हो, कोई हिसाब किताब लगाना ही नहीं है, जहां से श्रृंखला के प्रारंभ से रिक्त स्थान खाली हो वहीं से उस श्रृंखला को भरने की कोशिश कर दीजिए, श्रृंखला अपने आप पूर्ण हो जाएगी। जैसे आरएचएस का समूह क्या था? सीबीए, तो यहीं से जहां से खाली हो इसको भर दीजिए। जैसे आपने सीबी भरा, ए ऑलरेडी भरा है और वो आरएचएस का जो समूह था वो पूरा हो गया। समूह ही पूरा नहीं हुआ, श्रृंखला भी पूरी हो गई। गौर से देखिए, बीएसीसी जहां से रिपीटेशन है ब्रेक कर दीजिए, बीएसीसी, अब देखिए बीएसीसी, अब देख लीजिए बीएसीसी, और अब देख लीजिए बीएसीसी, श्रृंखला पूरी हो गई। तो अक्षरों की जो समान समूह वाली श्रृंखला होती है बेटा, अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला में हमें क्या करना है? केवल राइट हैंड साइड में जो अक्षरों का समूह है उसका चुनाव करना है और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिल रहा है वहां से उस समूह को भर देना है, श्रृंखला की पूरी हो जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए जैसे अब दूसरे चौथे प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं दो मिनट में। अब जैसे ये प्रश्न है, हमने पहचाना कि टाइप टू है। कैसे टाइप टू है? क्योंकि अक्षरों के सभी समूह तो समान है और सर ने बताया था कि जैसे अक्षरों के सभी समूह समान है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जो ग्रुप होगा, राइट हैंड साइड के उस ग्रुप को ले लेंगे और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिलेगा हम उसको भर देंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो देखिए टी के एल हमने तीन भर दिए, क्योंकि समूह क्या था? टी के एल एन, हमने तीन को बेटा यहां पे भर दिया। गौर से देखिए, ये श्रृंखला पूरी हो गई आपकी के एल एन टी टी। अब के से श्रृंखला रिपीट हो रही है, के एल एन टी टी। अब गौर से देखिए यहां पर के एल एन टी टी, और फिर यहां पे देख लीजिए के एल एन टी टी, और ये श्रृंखला क्या हो गई? पूरी हो गई, है ना, ये श्रृंखला क्या हो गई? पूरी हो गई। तो आसान प्रक्रिया है, क्या करना है? जब भी समान समूह वाली श्रृंखला हो, राइट हैंड साइड का बेटा जो समूह है मेरे बच्चे, उसको ले लीजिएगा और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिलता है आंख बंद करके वहां से भर दीजिएगा, कभी भी श्रृंखला आपकी गलत नहीं होगी। इसी फील के साथ पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर, बिना स्याही के सोचने की एक क्षमता होती है, रीजनिंग पूरी थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर होती है, यहां पर आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब टाइप टू के बाद तीसरे टाइप पर आते हैं। अब पहले तो यह देखना है कि यह टाइप वन और टाइप टू क्यों नहीं हो सकता, है ना भाई, टाइप वन और टाइप टू क्यों नहीं होगा? तो टाइप वन और देखिए टाइप वन क्या था? असमान समूह वाली श्रृंखला, वहां पर अक्षरों का एक समूह सबसे बड़ा होता है। जो मैं बोल रहा हूं
यही जो आप दिमाग में हर चैप्टर में सुनेंगे, यही आपकी परीक्षा के लिए आसान होगा। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो यही इन्हीं बातों से आप पढ़ाना भी सीखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो यह पहचानना है कि कौन सा टाइप है। तो टाइप वन क्यों नहीं हो सकता? टाइप वन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टाइप वन में एक समूह सबसे बड़ा होता था और यहां पर देखिए दो समूह सबसे बड़े हैं, इसलिए ये टाइप वन नहीं होगा, है ना। टाइप टू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइप टू में क्या होता था, टाइप टू में क्या होता था कि सभी समूह समान होते थे और यहां पर सभी समूह समान नहीं है, तो ये टाइप वन भी नहीं है और ये टाइप टू भी नहीं है। तो जब बेटा ये टाइप वन नहीं है और टाइप टू नहीं है तो अब हमारे लिए क्या होता है टाइप थ्री, जिसको हम कहते हैं अक्षरों के चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला, साइक्लिक सीरीज। चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला, साइक्लिक सीरीज। कैसे हम साइक्लिक सीरीज को हल करते हैं, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला को कैसे हल करते हैं, पहले इसको फोकस में लाते हैं। देखिए, जब भी हम देखें कि टाइप वन है और टाइप टू नहीं है, टाइप थ्री है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैरायटी ऑफ लेटर्स क्या है, हिंदी में कहें अक्षरों के कुल प्रकार कितने हैं। हम श्रृंखला में ये देखते हैं टाइप थ्री को हल करने के लिए कि अक्षरों के कुल प्रकार कितने हैं। अब यहां पर बेटा जो अक्षरों के प्रकार हैं वो चार हैं, कुल श्रृंखला में जितने प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे हैं वही आपके वैरायटी ऑफ लेटर्स होंगे। तो यहां पर वैरायटी ऑफ लेटर्स आपके कितने हैं बताइए, चार हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे पी, क्यू, आर और एस। कितने लिख रहे हैं? चार। जितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को बांट दीजिए। जितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को बांट दीजिए। जैसे अब चार प्रकार के अक्षर लिख रहे हैं तो चार चार के बराबर भागों में श्रृंखला को बांट दीजिए, और चार चार के बराबर भागों में हमने श्रृंखला को बांट दिया। जैसे ही चार चार के बराबर भागों में श्रृंखला को बांटा, अब देखिए जिस भाग में जो अक्षर नहीं है उन चार में से उस भाग में वो अक्षर भर दीजिए। आपको कोई हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चे, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। कैसे? देखो बेटा इसमें क्या नहीं है, तो आप कहेंगे सर इसमें उन चार में से क्यों नहीं है, क्यों भर दिया। मैं इस चीज का विरोध करता हूं आदि रीजनिंग में कि ऑप्शन से चेक मत करिए। मैं कहता हूं ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आधे से ज्यादा टॉपिक ऐसे जहां पे ऑप्शन नहीं देखना, आप सवाल देखिए ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। मैं सिखाऊंगा आपको इस चीज को। जैसे आपने यहां पर क्यू भर दिया, अब उन चार में से यहां पर क्यों नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, तो आपने यहां पे एस भर दिया। अब यहां पे आर एस पी, यहां पे क्यू नहीं है, और यहां पे एस पी, यहां पे भी क्यू नहीं है, तो अब आपकी श्रृंखला पूरी हो गई। ये साइक्लिक सीरीज थी। जब टाइप वन नहीं है, टाइप टू नहीं है, तो टाइप थ्री है। और टाइप थ्री का सेगमेंटेशन क्या कहता है, जिस खंड में वैरायटी ऑफ लेटर्स देखना है, जिस सेगमेंट में जो वैरायटी ऑफ लेटर्स नहीं है उसको हम भर देंगे। तो यहां पर बताओ क्या नहीं है, क्यू नहीं है, क्यू भर दिया। यहां पर एस नहीं है, एस भर दिया। साइक्लिक बन गया पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, आर एस पी क्यू, एस पी क्यू आर, और एक साइक्लिक सीरीज हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। इतने आसान तरीके से पूरी रीजनिंग आप सीख सकते हैं। कैसे? आइए चलिए, आप देखिए आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो अगला आप भी करेंगे। देखिए तो सबसे पहले, अगले को करने से पहले आप सबसे पहले बताइए, जल्दी से उत्तर करिए, सभी लोग जल्दी से उत्तर करें, और यह भी बताएं कि आप कहां से हम लोगों को उत्तर कर रहे हैं। चलिए बताइए वैरायटी ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो आप कहेंगे सर अक्षरों के प्रकार तो तीन है। पहले तो देखिए कि टाइप वन और टाइप टू क्यों नहीं है, क्योंकि दो समूह सबसे बड़े हैं, तो टाइप वन और टाइप टू नहीं हो सकता। सभी समूह समान नहीं है तो टाइप टू नहीं हो सकता, टाइप थ्री है। वैरायटी ऑफ लेटर्स कितने हैं, तीन है। कितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, तीन, ए बी सी। अगर तीन प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं तो तीन तीन के बराबर भागों में बांट दीजिए। तीन ए कर दिया, तीन ए कर दिया, तीन का हिस्सा ए कर दिया, तीन का हिस्सा ये कर दिया, और तीन का हिस्सा ये कर दिया। अब बेटा देख लो जिस भाग में जो अक्षर ना मिल रहा हो उस भाग में उस अक्षर को भर दो, श्रृंखला अपने आप क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। जैसे यहां पर बी नहीं है तो यहां पर बी को भर दिया, यहां पर सी नहीं है यहां पर सी को भर दिया, यहां पर ए नहीं है ए को भर दिया, यहां पर सी नहीं है सी को भर दिया, यहां पर बी नहीं है बी को भर दिया, यहां पर ए नहीं है ए को भर दिया। अब श्रृंखला का हिसाब लगा लीजिए, श्रृंखला अपने आप पूरी हो गई। ए बी सी, बी सी ए,
ABC BCA ABC BCA और साइक्लिक सीरीज हमारी पूरी हो गई है ना, ABC BCA। आप इसी का हिसाब ना परीक्षा में लगाते हैं है ना, इसी का इतना समय कैसे बर्बाद हो सकता है अगर आपको सही दिशा पता है। क्योंकि अगर कोई पेपर बनाया जाता है और आप पेपर का अंतिम हिस्सा नहीं पढ़ पाते हैं, इसका मतलब है आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि पेपर को क्रैनियल कैपेसिटी से जांच के बेटा बनाया जाता है। अगर किसी पेपर की यह क्षमता है कि उसके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 25 मिनट में हल होते हैं, तो वो 50 क्वेश्चन 25 मिनट में हल होते हैं, उसको क्रैनियल कैपेसिटी पर जांचा गया है। आपके पढ़ने के तरीकों में बोध है ना। जब हम आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ाएंगे, जब हम आपको अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि जीएस कैसे पढ़ा जाता है। जीएस आप लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे जीएस पढ़ना है सब कुछ तैयार होगा, क्योंकि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन तो जीएस से ही जुड़ा हुआ है आपका पूरा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन टाइप हो गए, चलो टाइप चार पर आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आया, तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना था हमें कि ये टाइप 1, 2 और 3 क्यों नहीं है। बताओ, पहचानो ना, ये टाइप चार है ना, ये टाइप चार है, मैं बता रहा हूं, जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, ये टाइप चार है। लेकिन टाइप चार आप तब खोजेंगे, मैं तो जैसे आपसे लाइव बात कर रहा हूं, मेरी रिकॉर्डेड और लाइव क्लास में अंतर नहीं होगा। मैं कह रहा हूं टाइप चार तो आप तब खोजेंगे जब आप ये पहचान लेंगे कि पहला दूसरा तीसरा टाइप क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए पहला क्यों नहीं है, क्योंकि दो समूह सबसे बड़े हैं और पहले में बिना गैप के अक्षरों का एक समूह सबसे बड़ा होता है। दूसरा क्यों नहीं है, आपने कहा सर पहला नहीं है तो दूसरा हो सकता है। दूसरा इसलिए नहीं है क्योंकि सभी समूह समान नहीं है। तो फिर आपने कहा सर तीसरा क्यों नहीं है, तीसरा बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि साइक्लिक सीरीज में एक ही एक अक्षर घूमता है, साइक्लिक सीरीज में कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकता, और यहां तो ट्रिपलिंग हुई है। साइक्लिक सीरीज में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, यहां तो ट्रिपलिंग हुई है, तो ना तो टाइप 1 हो सकता है, ना टाइप 2 हो सकता है, ना टाइप 3 हो सकता है। तो समझने की बात है, फिर ये क्या होगा बताओ, टाइप 4 होगा। इसी को हम कहते हैं अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला, इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज। क्या करते हैं ये देखिए, इस श्रृंखला की दो पहचान है। पहली पहचान तो बेटा इस श्रृंखला की ये होती है कि इस श्रृंखला में केवल दो ही प्रकार के अक्षर होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, इस श्रृंखला में केवल दो प्रकार के अक्षर होंगे। सिलेबस ब्रेक सिलेबस को नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग, है ना। भले बैच में एडमिशन लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन वो सिलेबस आपके जीवन भर काम आएगा, उसको नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ लगाया है उसका। दो प्रकार के अक्षर इसमें होते हैं, क्लियर। जैसे एक अक्षर जो पहला अक्षर होता है उसकी बारंबारता अधिकतम होती है। बारंबारता का मतलब है उसके बार बार आने की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, बारंबारता। तो एक जो अक्षर होता है उसकी बारंबारता अधिकतम होती है और दूसरा जो अक्षर होता है उसकी बारंबारता न्यूनतम होती है, उसकी बारंबारता न्यूनतम होती है, क्लियर। जैसे दो प्रकार के अक्षर है इस श्रृंखला में, ए और बी। चलिए अब अधिकतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है, ए, और न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है, बी। बस हमें इतना ही देखना है, क्लियर। अब इस श्रृंखला समझ लीजिए हल हो गई कैसे। जो न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर है, या तो वो सम संख्या के साथ कोलिब्रेट कर रहा होगा या तो वो विषम संख्या के साथ संबंध बना रहा होगा। तो जो न्यूनतम बारंबारता अक्षर वाला अक्षर है उसको श्रृंखला के प्रारंभ से पहले रिक्त स्थान से भरने का प्रयास करते हैं। जैसे ए है तो ए के बाद बी, ये न्यूनतम बारंबारता वाला है। फिर 2A है तो उसके बाद बी, फिर 3A है तो उसके बाद बी। सीक्वेंस मिल गया बेटा, 1A के बाद बी, 2A के बाद बी, 3A के बाद बी, तो फिर क्या होगा बताओ, 4A के बाद बी, तो फिर क्या होगा बताओ, 5A के बाद बी। सॉल्व हो गया, न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से ही श्रृंखला में भरते हैं, श्रृंखला अपने आप पूर्ण हो जाती है, हमें ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, है ना। ऑप्शन पर क्यों नहीं जाएंगे, ऑप्शन पर नहीं जाना, इस वाले पैटर्न में ऑप्शन पर नहीं जाना है, सीधे हल हो गया। क्या न्यूनतम बारंबारता वाला जो अक्षर है इसको हम क्या कहेंगे,
इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, और क्या करते हैं, दो प्रकार के अक्षर केवल होंगे, न्यूनतम बारंबारता वाला जो अक्षर है उसको श्रृंखला के प्रारंभ से ही क्या कर देंगे, पहले रिक्त स्थान से भर देंगे, श्रृंखला अपनी मंजिल, अपना जहान, अपना तरीका ढूंढ लेगी। क्या आपकी खूबसूरत आंखों को ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं? अगर आपकी खूबसूरत आंखों को ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं तो नीचे जरूर लिखिएगा, क्योंकि इन्हीं खूबसूरत आंखों से हमें पूरा ब्रह्मांड पढ़ना है। अभी आइए आइए, चलिए अगला वाला आप कर दीजिए, अगला वाला आप कर दीजिए, चलिए आइए चलिए। अब देखिए वही है, टाइप चार हो गया, दो प्रकार के अक्षर होंगे, एक की बारंबारता अधिकतम होगी, जेड की बारंबारता मैक्सिमम है, और बताओ न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है, बी, बी की बारंबारता मिनिमम है। कुछ नहीं करेंगे, हम भर देंगे, हमने भर दिया, जेड के साथ बी भर दिया, चलिए हेलो। फिर देखिए, फिर हमने दो जेड के साथ बी भर दिया यहां पर। अब देखिए ये देखिए अलग ऑड फॉर्म में जा रहा है, कैसे, ये देखिए ये बी भरा आपने, तो एक जेड के साथ बी, तीन जेड के साथ बी, फिर देखिए गौर से ये पांच जेड के साथ भी, तो अब ये सात जेड के साथ भी जाएगा। मैंने कहा ना, देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, तो देखो सबसे पहला ग्रुप जो था वो एक जेड के साथ भी, ये जो ग्रुप था वो दो जेड के साथ भी, है ना, तीन जेड के साथ भी, तीन जेड के साथ भी, फिर ये वाला जो ग्रुप हो गया, फिर ये क्या हुआ, ऑड नंबर्स कैरी कर रहा है पांच के साथ, और ये वाला जो ग्रुप हो गया किसके साथ हो गया, सात के साथ, है ना। तो कभी कभी सम संख्याओं के साथ कोलैबोरेशन होगा, कभी कभी विषम संख्याओं के साथ होगा, और आपको बस इन खूबसूरत आंखों से केवल अच्छे से देख लेना है, और परीक्षा का तो एक प्रश्न वैसे भी नहीं छूट सकता, आप वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, पर जैसे बताऊं उसको वैसे तैयार करते चलिए, क्लियर है। अब टाइप चार हो गया, अब भाई टाइप चार तक की व्यवस्था तो हम लोगों ने निपटा ली, अब एग्जामिनर ने कहा यह सब तो बहुत सरल टाइप है आप लोगों ने जो किया है, आप एक कठिन टाइप तो करिए। अब हमने कहा कि भाई ये इसको पहले चेक करो, क्या ये टाइप वन है, क्या ये टाइप टू है, क्या ये टाइप तीन है, क्या ये टाइप चार है। तो आपने कहा सर वन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो समूह सबसे बड़े हैं, तो वन का तो पत्ता कट गया। अगर पहचानना सीख लिया जीवन में सही व्यक्ति को और सही सवाल को, पहचानना सीख लिया जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। एक व्यक्ति के जीवन में तीन लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु और अच्छा पड़ोसी। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पहचान बहुत सजग होती है, शानदार होती है, वो इन तीन तरह की परिस्थितियों को पहचान लेता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में तीनों चीजें हैं वो व्यक्ति का जीवन कभी विफल नहीं होगा। अच्छे दोस्तों को संभाल के रखिए। आप लोग आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नए नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो आपके मूल दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों को नहीं बनाना है, अच्छे दोस्तों को रखिए, नहीं तो जब आपको जरूरत होगी वही गाना गाएंगे, उड़ती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, फुर्र हो गया ढूंढो, क्यों, जब वो था तब तो उसकी कीमत नहीं पता थी ना, आज वो नहीं है तो उसकी याद आ रही। पहचान करना सीखिए, आंखों को अच्छा रखिए, खूबसूरत आंखों से पहचान करिए। अगर आपकी आंखें खूबसूरत है, अच्छे सवालों की पहचान करिए, अच्छे दोस्तों की पहचान करिए, अच्छे गुरु की पहचान करिए, अच्छे पड़ोसी की पहचान करिए, ये जीवन जीने के मूल मंत्र है। आइए मैं कह रहा हूं, अब आपने तेज चील वाली आंखों से देखा, भैया टाइप वन नहीं है, टाइप टू है, टाइप टू नहीं है क्योंकि सभी समूह समान नहीं है, टाइप थ्री है, टाइप थ्री नहीं है क्योंकि रिपीटेशन है, टाइप थ्री में रिपीटेशन कहां होगा, टाइप थ्री में तो रिपीटेशन होता नहीं साइक्लिक में। टाइप वन असमान समूह, टाइप टू समान समूह, टाइप थ्री साइक्लिक, तो टाइप चार कौन सा है, टाइप चार है इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइप चार में तो दो ही प्रकार के अक्षर होते हैं। तो भैया पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे चौथा नहीं है तो कौन सा होगा, पांचवा होगा। अब बताओ बेटा पांचवा अगर ये है तो पांचवे की तो पंचायत ही अलग है, क्योंकि पांचवा टाइप ऐसा होता है कि आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। इसको हम लोग कहते हैं, बताओ क्या, क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में दूंगा बैच में, क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। इसका देखिए क्या है, इसका मेल जोल क्या है, इसकी पहचान क्या है। वैसे तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे कि चार नहीं है तो पांचवा है, लेकिन इसकी एक मूल पहचान क्या है, इसका पहला और अंतिम अक्षर एक समान होता है। चलो मैं बता दे रहा हूं,
किसी भी दुनिया की किताब में ढूंढ लीजिए, आज से सीरीज गलत नहीं होगी। पहला और अंतिम अक्षर एक समान। चलिए, जैसे पहला और अंतिम अक्षर बताओ क्या है, बी है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अक्षरों की संख्या हमेशा सम होती है, ऑड नंबर्स में कभी यह श्रृंखला नहीं होगी, सम होगी। और ठीक बीच का जो अक्षर युग्म होगा, ठीक मध्य का जो अक्षर पेयर होगा वो एक समान होगा। ठीक मध्य का जो अक्षर पेयर होगा वो एक समान होगा। कैसे, चलिए तीनों चीजों क्लियर करते हैं। जैसे पहला और देखिए अंतिम अक्षर एक समान है, अक्षरों की संख्या निश्चित सम होगी और ठीक मध्य का अक्षर युग्म एक समान होगा। अब आप कहेंगे सर ये बताइए हल कैसे करना है, बहुत ही आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस मिलाते चलना है। ये देखिए, ये यहां पे पहला अक्षर था और ये यहां पे लास्ट अक्षर है, ठीक है, पहले अक्षर से लास्ट अक्षर को मिला दीजिए। ये यहां पे दूसरा अक्षर सी था और यहां पे ले आइए तो इसको सी कर दीजिए, आराम से सीखिए। चलिए, ये यहां पे तीसरा अक्षर सी था और यहां पे ये नहीं है तो इसको सी कर दीजिए, भरते चलिए। चौथा अक्षर यहां पे के है, यहां पे भी के है। अब पांचवा अक्षर यहां पे सी है तो इस तरफ का भी पांचवा सी होगा। अब ये देखिए बी है तो इस तरफ का भी बी होगा। अब ये बी है तो बेटा इस ये भी क्या होगा बताओ, बी होगा। अब ये के है तो ये भी क्या होगा, के होगा। और ठीक मध्य का अक्षर युग्म भी एक समान होगा और आपकी श्रृंखला पूरी हो गई। अंतिम पहले को अंतिम से मिला दीजिए और यही मेलजोल कराते रहिए, यही जीवन है, ये मेलजोल श्रृंखला है। प्रेम से रहिए, एक दूसरे से मिलाते रहिए, है ना। हमारी अपनी मंजिलें, हमारी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़। पहले इसको कहिए, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। यही प्रेम सद्भाव बना के इसको मिलाते चलिए, श्रृंखला हल हो जाएगी। इसी को कहते हैं क्लोज वैरायटी लेटर सीरीज, क्लोज वैरायटी लेटर सीरीज इसी को कहते हैं। मजा आ रहा हो तो नीचे दो दो लाइन ठोक दीजिएगा, आप अपने अंदाज में कहिएगा, हम अपने अंदाज में कह रहे हैं। आइए चलिए, अब देखिए, चलिए एक और है। अब देखो, अब ये जो श्रृंखला है ना, इसको भी हम लोगों को वैसे ही कर लेना है, क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया था। कैसे करेंगे, आसान है, एल है ये, चलिए थोड़ा जगह ले लेते हैं, थोड़ा जगह ले लें तो आपको भी आनंद आएगा मिलाने में। ये एल है, इसको यहां से खींच के लाए, ये एल हो गया। चलो ये टी है, ये टी है। अब देखो तीसरे स्थान पर यहां पर मिसिंग है, यहां पर एम है, इसको एम कर दो। ये चौथे स्थान पर एन है, इसको एन कर दो, आसान है। ये ओ है, इसको ओ कर दो। ये यहां पे क्या है, पी है, चलो इसको पी कर दो। ये क्या है, यहां पे आर है, इसको क्या कर दो, आर कर दो। अब बताओ ये यहां पे क्या है, क्यू है, इसको क्यू कर दो। तो ये जेड जेड हो जाएगा, ठीक बीच का अक्षर युग्म एक समान हो गया, श्रृंखला आपकी पूरी हो गई, है ना। यही मेलजोल बढ़ाना है, मेलजोल बढ़ा दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो छठवें टाइप की होती है, जिनको हम कहते हैं भगवान भरोसे टाइप। एसएससी भगवान भरोसे टाइप पूछता है, कई बार पूछा। यूपी कमीशन पूछता है, कई बार पूछा। दिल्ली पुलिस एसआई का जो लोग पेपर दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ एसआई के ही मैंने दो सवाल लिए हैं। बिल्कुल, जो छठवीं सीरीज है वो छठवां टाइप है, वो बिल्कुल अलग है और बहुत खतरनाक है। कैसे, जब भी सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज दी गई हो, जैसे मान लीजिए सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज है आपकी, चलिए जैसे ये दी गई है। अब एक सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज बेटा जब भी दी गई हो तो सबसे पहले दिनों के और महीनों के नाम को जरूर चेक करिए, नहीं तो 3 मिनट बर्बाद करके जब एसएससी सीजीएल के पेपर से बाहर निकलोगे, सीपीओ एसआई के पेपर से बाहर निकलोगे, यूपी कमीशन के पेपर से बाहर निकलोगे, और बाहर जब ये पता चलता है कि अरे ये था, ऐसे लगता है कि किसी ने भाई साहब हरण कर दिया, बहुत दुख होता है, दुख नहीं। जब सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज मिले तो क्या करना है, अब देख लो, जनवरी है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीनों के नाम लिखे थे, आपको पता ही नहीं चला, है ना। 6 से 7 परीक्षाएं पिछले 2 वर्ष में सवाल पूछ चुकी हैं, आपका छूट गया। कभी कभी ये क्या करते हैं, दिनों के साथ महीनों के नाम को मर्ज कर देते हैं, कैसे वो भी समझ लो। जैसे मान लीजिए अगली सीरीज में चल रहे, ये देखो, अब यहां पे देखो क्या था, यही यहां पे भी ऐसे ही दिया था। अब यहां पे देखो, अगर पहला अक्षर एस है या जे है, तुरंत आपके दिमाग के चक्षु खुल जाने चाहिए,
एस का मतलब संडे और जे का मतलब जनवरी, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। समझ लो संडे जनवरी, मंडे फरवरी है ना, ट्यूजडे मार्च, वेडनेसडे अप्रैल, अब बताओ अप्रैल, थर्सडे मई और फ्राइडे जून, सीरीज पूरी होगी है ना। इसमें क्या किया था, दोनों नामों को क्या किया था, एक साथ किया था। तो ये बेटा आपकी छह प्रकार की सीरीज जैसे मैंने बताया आपकी बनती है, और इन छह प्रकार की सीरीज को अगर हम लोग अलग अलग तरीके से देखें, तो मैंने आपसे पहले कहा, मैंने बिल्कुल क्लियर किया कौन कौन सी, पहली क्या बनती है बताओ, नाम क्या है बताओ, तो आप कहेंगे समान समूह वाली श्रृंखला अक्षरों के। दूसरी क्या होती है, अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला, एक पन्ने पर नोट कर लीजिएगा। तीसरी क्या होती है, तो आप कहेंगे साइक्लिक सीरीज, चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला है ना, मैंने वो भी बताई आपको। चौथी क्या होती है, अक्षरों के बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला, अक्षरों के क्रम है ना। पांचवी क्या होती है ना, पांचवी क्या होती है, समानता श्रृंखला, समानता श्रृंखला क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज, और छठवीं क्या होती है, मिसलिनियस भगवान भरोसे श्रृंखला। और आपकी खूबसूरत आंखों को बारीकी से आज से श्रृंखला दिखाई दी। उम्मीद करता हूं कि भारत की कोई भी किताब, कोई भी पेपर ले लीजिए, इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, ये मिसिंग अल्फाबेट लेटर पैटर्न सीरीज का सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया 15 जुलाई तक प्रवेश खुले हुए हैं, मैंने आपको शुरुआत में पूरी जानकारी दी। इसके बाद संदीप सर की जबरदस्त क्लास शुरू होने वाली है, गणित के एक जबरदस्त टीचर जो एक कठिन गणित और जबरदस्त गणित पढ़ाने के लिए जो है बने हुए हैं। आप महसूस करिए उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनकी ट्रिक को, इतने अनुशासित व्यक्ति के रूप में आप गणित सीखेंगे, आपको वास्तव में बहुत आनंद आएगा। तो इंटायर, पहले तो किसी भी चीज को समझने का मतलब होता है कि हम उसके पाठ्यक्रम को अच्छे से जाने। गणित से आप भागते हैं, लेकिन आज से आप गणित से भागेंगे नहीं, ये कॉम्बो पैकेज जो है, ये जो बैच है, ये निश्चित रूप से आपको सफलता तक ले जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, प्रवेश से संबंधित हो किसी भी चीज के, नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप धुआंधार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक फोन करिए और पूछिए जो आपको पूछने का हक है। यह एक पारदर्शी श्रृंखला है और हम लोग बहुत बेहतर करने चल रहे हैं। यह बैच आपके जीवन का सबसे शानदार बैच होगा, आपके सीखने के लिए, आपके समझने के लिए और आपके करियर के लिए। तो आप गणित की बारी है, संदीप सर आपके समक्ष होंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप मुझे कहां से देख रहे हैं जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज 3500 राज्य कवर करने हैं इस देश के, सभी सभी राज्यों से कमेंट आने चाहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। संस्थान के द्वारा अलग अलग चल रही बैचेस में क्लास देने के दौरान एक प्रॉब्लम आती थी, और उसको आप भी अनुभव करते थे, हम भी करते थे। हम पहले से इस बात को बता दिया करते थे कि जब हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं पर्टिकुलर इस बैच में, इस समय हम इस मैथ का उपयोग केवल इसी बैच के लिए करने जा रहे हैं। उस बैच की रिक्वायरमेंट के आधार पर, उस बैच के लिमिटेशंस, टाइम लिमिटेशंस के आधार पर, उसमें पाठ्यक्रम के स्वरूप के आधार पर उस बैचेस को कंप्लीट किया जाता था। उसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स भी आती थी, लोग के दिमाग में रहता था कि सर बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारी स्किप कर गई, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, इस तरह की बातें बनती थी। और उसके लिए कई सारे स्टूडेंट लगातार हम लोगों से संपर्क भी करते थे, सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा माध्यम जिसमें हम पूरी गणित को, जो किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारे लिए तैयार हो, कम्प्लीट हो, उसको हम पढ़ सकें। उसी सब को देख करके हमने और रवि सर ने मिलकर के एक कम्बो बैच प्लान किया, जिसका एक जानकारी, बेसिक जानकारी का वीडियो आपको कल शाम को भेजा गया था। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक रूपरेखा के साथ साथ, अपने पाठ्यक्रम के तरीकों के साथ साथ, हम कैसा पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस बैच को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्योंकि अब जब हम लोग यहाँ पर एक ऐसे माध्यम के थ्रू जुड़ रहे हैं जहाँ पर केवल हम मैथ्स पढ़ने आ रहे हैं, केवल हम रीजनिंग पढ़ने आ रहे हैं, तो हम आपको जो मैथ्स पढ़ाने के दौरान हम आपको मैथ्स की बात बताएंगे, हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ से एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जहाँ से मैथ्स हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर मैथ्स को स्टार्ट किया इंडिविजुअल मैथ्स नाम दे करके, आप इसको सेपरेट कम्बो बैच नाम दे सकते हैं, जो कि एक ऐसी मैथ्स की प्लानिंग है जो कि लगातार किसी भी परीक्षा को आप नोटिस करें, उन सारी परीक्षाओं में इसका इंपॉर्टेंस, इसका एडवांटेज होता है। आप यूपीएससी की परीक्षा, आईएससी सैट, पीसीएससी सैट अगर हम लोग फोकस करते हैं, एसएससी की कोई भी परीक्षा, चाहे वो सीएचएसएल की हो, चाहे सीजीएल टायर 1 टायर 2 की हो, बैंकिंग का, आईबीपीएस क्लर्क लेवल का हो, चाहे आपका पीओ लेवल का हो या एसओ लेवल का हो,
यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की किसी भी मतलब कमीशन की कोई परीक्षा हो, या हम रेलवे की बात करें, LIC इंश्योरेंस, UPSI, लेखपाल, BRSI, DPSI, DP पुलिस, CDS, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नाम खत्म नहीं हो सकता। मतलब इतने सारे कोर्सेस हैं जहां पर इस मैथ का इंपॉर्टेंस है, और जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन्हीं सारी चीज़ों को मिला जुला करके इधर से उधर करके पढ़ाया जाता है, तो वही सारी चीज़ों को आज हम लोग लेकर के एक नया बैच नाम दे रहे हैं जिसका नाम है इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का बैच। इस बैच के अलग अलग अप्रोच हैं, अलग अलग माध्यम हैं, लेकिन हमारे सामने कन्फ्यूजन एक क्वेश्चन बना रहता है कि हम कंपटीशन के लिए जिस मैथ्स को पढ़ रहे हैं उस कंपटीशन का हमारे साथ स्टार्टिंग कब से हुई है, कब से हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं। हमको जब आप व्यूअर्स के तौर पे देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या तो कर रहे हैं। इस दौरान हम में से बहुत सारे लोग 10+2 लेवल पर होते हैं, बहुत सारे लोग 10+2+3 लेवल पर होते हैं, क्योंकि कंपटीशन एक्चुअली यहीं से प्रारंभ होता है, एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, UPSC की बात अगर छोड़ दें, कमीशंस की बात, UP SSC की बात छोड़ दें, आप SSC CGLS, SSC से लेकर के बैंकिंग की बात करें, आप जो है तमाम स्तरीय परीक्षाओं को अगर देखें तो सारी की सारी परीक्षाएं ऑलमोस्ट 10+2 लेवल और 2+3+3 लेवल पर होती हैं। 10+2 लेवल पर, लेकिन बड़ी लिमिटेड आपकी बहुत सारी लिमिटेड पोस्ट होती है, जैसे कि वाई ग्रुप आप एयरफोर्स दे सकते हैं, कुछ आपके CHSL के एग्जाम हायर सेकेंडरी लेवल के या पुलिस एग्जामिनेशंस को छोड़ करके ज़्यादातर परीक्षाएं जो होती है आपकी 10+2+3 लेवल पर ही होती हैं। 10+2+3 लेवल ही आपका बेस होता है, लेकिन अगर आपने 10+2 किया है तो आपको अभी से कंटिन्यू करना शुरू कर देना होता है, क्योंकि यह कंपटीशन है, यह एकेडमिक नहीं है कि यहाँ पर आप जो है परीक्षा को केवल अंतिम समय पर पढ़ करके ही पास कर देंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े कंपटीशन को आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत ही बड़े चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम परीक्षा की प्रिपरेशन इन दोनों मीडियम से रह करके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में हैं, यहाँ पर हैं तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ गई है, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, सही रूप में अनुभव कर सकते हैं। बात हम लोग अलग अलग पहलू उस पर करते रहेंगे, तो हमने इसी को देख करके टाइप्स ऑफ स्टूडेंट की कैटेगरी डिसाइड करी, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर जितने दिनों से पढ़ा रहे तो उस अनुभव को देख करके मैंने देखा कि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आप हमको देख रहे हैं, उनमें जो ऐसे लोग हैं जो आज से ही शुरू कर रहे हैं, मतलब आज से ही हमारे साथ मैथ्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जब मैं फेस करता हूँ तो इन सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, हमको सबको देख करके चलना पड़ता है, जो आज से ही शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ कर रखा हो, कहीं पढ़ रखा हो, थोड़ा बहुत उनका कन्फ्यूजन में हो, कुछ कॉन्सेप्ट उनके बचे हुए हों, वो सारे लोग की बात मैं कर रहा हूँ, या जिन्होंने पूरा कर रखा है, उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, उनको रेगुलरिटी की ज़रूरत है। मैं आपको सियोरिटी गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इन तीनों पहलुओं पर आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको इन तीनों पहलुओं पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं खरा उतरूँगा। मतलब हम इन तीनों पहलुओं पर आपको एक बेहतरीन अनुभव कराएंगे, इस बात की मैं आपको सियोरिटी दे रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातें हैं, जैसे कि आप इनके साथ साथ भी आपने नोटिस किया होगा कि हम में से बहुत सारे लोग आर्ट बैकग्राउंड के हैं, बहुत सारे लोग कॉमर्स के हैं, बहुत सारे मैथ्स के हैं। इसके बाद जब 10+2+3 पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स करके आए होते हैं या PCM ग्रुप लेकर चल रहे होते हैं। तो उस दौरान जब आप इस स्थिति में रहते हैं, या बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी होते हैं, इस दौरान थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन होती है, आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके अंदर एक बात होती है कि नहीं, मैं तो मैथ्स का हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन मैं यहां पर आपके उस भ्रम को दूर करना चाहता हूं, आपसे बेहतरीन एक आर्ट बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड का कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर उस समय और कॉन्फिडेंस नहीं है, सीखने की जिज्ञासा है। आपको ऐसी सारी चीज़ें बनाकर रखनी पड़ेगी। मैं आपसे उस रिक्वायरमेंट को आगे डिस्कस भी करूंगा कि आपके अंदर से मुझे क्या चाहिए। अगर मैं अपने कुछ कमिटमेंट आपके साथ यहाँ पे दे रहा हूँ तो आपसे मैं क्या क्या कमिटमेंट लेकर चलूंगा इस पूरी बैच के दौरान, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। कोई भी कंपटीशन को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते किसी भी स्थिति में। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप मानकर चलिए इस समय आपका लेवल समतुल्य है इन्हीं लोगों के साथ। 10th लेवल की मैथ्स हमें पढ़नी होती है। तक मैं ये भी आपको सिक्योरिटी के साथ कह रहा हूं, कोई रिसर्च होल्डर भी होगा, मैथ्स में रिसर्च कर रहा होगा, उसके साथ भी यह प्रॉब्लम होगी कि वह जो है कंपटीशन देने आएगा तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट, परिस्थिति, स्थिति, घड़ी की टाइमिंग, सब कुछ चेंज रहती है, सब कुछ बदला रहता है। MTech होल्डर्स हो, मैथ्स रिसर्च होल्डर है, जब तक मैथ्स को कंपटीशन के लिहाज से नहीं पढ़ा है तो वह पूरी तरह से मैथ्स को नहीं कर सकता, इस बात की मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं। तय निर्धारित समय में, जिस समय आप परीक्षा हाल में रहते हैं, उस समय आप सब लोग समान दशा में बैठते हैं, आपको पूरी मैथ आती रहेगी लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। जब तक सही स्ट्रैटजी, सही टाइम मैनेजमेंट, सही प्रकार के ट्रिक्स हमको नहीं पता होंगे तो हम उस चीज़ों को नहीं कर सकते।
हम आपको मैथ सिखाएंगे, मैथ की तरह सिखाएंगे। हम किसी भी प्रकार के मैजिक, जादू, इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे आपके साथ, जैसा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। मैं यहाँ पर एकदम से ट्रेडिशनल, एकदम से सिंसियर, जो भी रिक्वायरमेंट है मैथ्स की, उस प्रकार की मैथ को आपके साथ प्लान करके चलूंगा। इस बात को मैं आपको अभी कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ऐसे ही मैं करके चलूंगा, ऐसे ही मैं शून्य से लेकर के शिखर तक आपको पहुँचाऊँगा। आगे मैं बढ़ता हूँ तो हमारी प्लानिंग के अंतर्गत मैं आपको अपनी प्लानिंग बता दे रहा हूँ। संस्थान की जो प्लानिंग है, एक तरह का सिस्टम का प्लान है। इस प्लानिंग में मैं आपको डेली लाइव क्लास दूंगा 1.5 आवर्स की, मतलब 1.5 घंटे की आपकी डेली क्लास रहेगी जो कि लाइव रहेगी। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल्स हमारे, मैंने आपको बताया, दोनों मीडियम में रहेंगे, जो कि प्रैक्टिस सीट पर डिपेंडेंट होगी, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सीट। जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा उससे संबंधित प्रैक्टिस सीट आपको बनाए करके दी जाएगी। उन प्रैक्टिस सीट को दो लेवल में, जैसे मैं एक चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर्स में जितने अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे अगर परसेंटेज को ले लें तो मैं भी कुछ टाइप्स आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। उन सारे टाइप्स के अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर के 10 टाइप्स हैं टोटल, हर टाइप्स पर मैंने दो लेवल जनरेट किया, लेवल 1 एंड लेवल 2। हर लेवल में कम से कम 25 से 50 तक के क्वेश्चंस होंगे, मतलब 25 से 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर रहे हैं तो लगभग आप देख लीजिए तो 50 × 10 कर दो तो 500 क्वेश्चन ऐसे लगभग होकर आ रहे हैं। साथ में कंबाइन किया जाएगा, जब सारे टाइप्स को फिनिश कर लिया जाएगा तो फिर एक कम्बिनेशन सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी भी संख्या एक मैक्सिमम लेवल तक होगी, जितनी जरूरत है उतनी होगी। एक्चुअली यहाँ पर एक कंपटीशन लोगों का चलता है कि मैंने 500 क्वेश्चन कराए, कोई कहेगा मैं 1000 कर रहा हूँ, मैं कहीं से 1000 कर रहा हूँ, मैं कहीं से 2000 क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा बल्क में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सही पैटर्न पर पढ़ने की आवश्यकता है। उतना ही पढ़ने की जरूरत होती जितना हमारे कंपटीशन में हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना ही पढ़कर चलिए। ऐसा नहीं कि मैं 2000 क्वेश्चन करा दूं, हो सकता है मैं 200 में ही आपको सेटिस्फाई कर दूं, 200 ही ऐसे प्रश्नों को करा दूं जो कि आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण हो। तो आज हम लोग जिस पैटर्न पर हैं उसमें मैंने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कराने की, आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कराने की प्लानिंग करी है। मैं यहाँ पर किसी भी संख्या को मेंशन नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी संख्या हो सकती है। आपको जो भी यहाँ पर मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड सीट दी जाएगी, वह उसके जो अलग अलग पैटर्न होंगे वह उसका सिस्टम क्या होगा, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रैक्टिस सीट के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि स्पीडोमीटर पे बेस्ड रहेगी। जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप को फिनिश करेंगे तो हम लाइव आपको स्पीडोमीटर पे टेस्ट कराएंगे और उस समय आपकी स्पीड को भी मेजर किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर कमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो भी आपके, जैसे मान लीजिए कभी हम पब्लिक क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, उस दौरान तो बड़ी मतलब उस समय तो ऐसी स्थिति होती कि आप मेरे सामने होते, अपने क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं और हम लोग आंसर करा देते हैं, लेकिन बहुत संख्या रहने पर ये चीज़ भी संभव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपके जो कमेंट के क्वेश्चंस होंगे उनको सबको कंसीडर करके उसके लिए एक डाउट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहाँ पर डाउट क्वेश्चन आपको कम्प्लीट कराए जाएंगे। मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। मुझे अपनी प्लानिंग के साथ साथ आप लोगों से भी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन की, मैंने शुरुआत में कहा कि हम अनुशासन पसंद करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासित रहना ही हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, हमने नियम धैर्य नहीं फॉलो किया, हमने प्रोसीजर को नहीं अप्लाई किया, तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आप थोड़ा कम पढ़िए लेकिन अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन रहिए, रेगुलरिटी बना के रखिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस अनुशासन में मैंने इस समय के सदुपयोग को मेंशन किया है। मतलब अगर हम लाइव क्लास कर रहे हैं तो लाइव क्लास में आपकी अटेंडेंस शुरू से लेके अंत तक होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप क्लास के जब इच्छा हो तब आएं, जब इच्छा हो तब जाएं। ये सिचुएशन अगर आप करते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन रहिए, समय का सदुपयोग करिए, पूरे टाइम तक आप अपनी क्लास करिए। क्लास के दौरान जो क्लास की एक ज़रूरत होती है, पेन कापी किताब जो भी आपकी आवश्यकता है उसको लेकर बैठिए और पूरे टाइम तक अपने पूरे मनोयोग के साथ आप समय का सदुपयोग करते हुए पूरी क्लास करिए। साथ साथ आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए आपके माइंड में। आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई जा रही तो उससे रिलेटेड क्वेरी होनी चाहिए। एक प्रकार का ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको कुछ चीज़ों को लेकर के हमेशा आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। पेशेंस की भी आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं कि इतनी बड़े जिज्ञासु हो जाएं कि हम अपना धैर्य ही खो दें। इसके साथ साथ भी आपको मेच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता होती है, धैर्य भी रखने की जरूरत होती है। मतलब आपको जो है, अगर कभी भी कोई समय दिया गया है, किसी भी प्रकार की बात की गई है, तो उसको आप फॉलो करिए। आप उस पेशेंस को बना के रखेंगे तो आप सही बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मैं आपसे इतनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखूँगा, आपकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर इतनी थोप रहा हूँ।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर डिस्कशन करेंगे कि हम इंडिविजुअल मैथ्स और जो जनरल मैथ्स जब हम पढ़ते हैं किसी भी बैचेस में, तो उनमें फ़र्क क्या होता है, कितनी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, क्या क्या चीज़ें बच जाती हैं और क्या हमारे पूरे पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम इस मैथ्स को अगर देखें तो मैथ्स देखिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह की बात करता है। यहाँ पर 10th लेवल, 10 प्लस लेवल की मैथ्स होती है, इतना दिमाग में रखिएगा। आजकल किसी भी कंपटीशन में देखा जा रहा है, भले ही कहा जाता है 10th लेवल की मैथ्स आएगी, लेकिन मैंने तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी परीक्षाओं में देखा जहाँ 10 प्लस लेवल की मैथ्स आई, मतलब 12th लेवल तक की मैथ्स आ गई। कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लिया, कहीं पर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पूछ लिया स्टैंडर्ड लेवल का, कहीं पर मतलब अच्छे स्तरीय प्रश्न पूछ, कहीं पर त्रिकोणमिति का इतना बड़ा यूज पूछ लिया कि 10th में है ही नहीं सिस्टम। तो इसलिए मैं 10th लेवल और 10 प्लस लेवल की मैथ्स मानकर चल रहा हूँ। अब देखिए इसके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि कई कई परीक्षाओं में तो इतना लिखेगा कि अंगणित और एडवांस, मतलब अर्थमेटिक एंड एडवांस, ज़्यादातर स्थिति यही होती है। लेकिन फिर भी किसी किसी परीक्षाओं में, कहीं जैसे कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो रही है, तो उसमें लिखा है कि आप अंगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो अब उन दोनों में भी हमें सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, प्रश्नों के दायरे को, कंटेंट के सिस्टम को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिए मैथ्स को, अंगणित और एडवांस में, तो एडवांस के तमाम सारे रीजन जो मैंने यहाँ पर मेंशन रख रखे हैं, और मैंने दूसरी चीज़ को यहाँ पर भी बता रखा है कि अंगणित है, बीजगणित है और रेखा गणित है, तीनों चीज़ें हैं। इसी पैटर्न को, इसी ढर्रे को मैं पूरी तरह से, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आज यहाँ पर पॉइंट करूंगा, हर बात को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसी आधार पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं अंगणित की बात करता हूँ। अंगणित जो कि एक प्रकार का, सबसे पहले तो कंपटीशन के दौरान इस तरह की बातें की जाती थी कि अंगणित पूरा पढ़ लो, 60-70% कवर हो जाएगी पूरी गणित। लेकिन आज की जो कंपटीशन की एनवायरनमेंट है, कंपटीशन के एनवायरनमेंट को अब देखा गया टोटली बदल गया है। जो 4-5 साल पहले होता था वो एकदम पैटर्न चेंज हो गया है, स्थिति परिस्थिति बदल गई है। इसलिए अब के अंगणित और तब के अंगणित में फ़र्क है। अब इसका यूज 50-50 का है, मतलब उतना ही एडवांस होता है, लेकिन एडवांस तभी समझ में आता है जब अंगणित आता है, क्योंकि यही शुरुआत होती है गणित की, अंगणित से ही शुरुआत होगी गणित की। हम यहाँ पर अंकों के बारे में जानना सीखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि मैथ है क्या। मैथ का जो स्टार्टिंग है, जो इनिशियल, जहाँ से मैथ शुरू की जाती है, एक्चुअली वो कहाँ से शुरू होती है, तो आपने देखा कि मैथ्स का प्रयोग समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल करने के दौरान होता है, और समस्या हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, समीकरण बेस्ड होती है। तो नंबर और वेरिएबल का कैसा यूज है, इसके लिए सबसे पहले जैसे किसी भाषा को पढ़ा जाता है, मान लीजिए हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हमें अल्फ़ाबेट जानने की आवश्यकता होती है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके भी अल्फ़ाबेट्स को जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब गणित को पढ़ेंगे तो अंकों की जानने, अंकों को समझने की, जानने की आवश्यकता होती है। अंकों के ऊपर आधारित एक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर नाम दिया गया है, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या प्रणाली कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसकी सही विवेचना हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने क्लास में। मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा परिचय, इसका पूरा वर्गीकरण, इसका प्रयोग, प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं, मतलब कहां कहां किस प्रकार की लीडरशिप करता है, किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करता है, डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता, मतलब जो कैलकुलेशन का एक प्रकार का पार्ट है, उसका पूरा सिद्धांत, उसका पूरा नियम, साथ साथ इकाई के अंकों को ज्ञात करना जो भी नंबर का ही पार्ट है, शून्यों की संख्या अंत से ज्ञात करना जो भी नंबर का पार्ट है, शेषफल को ज्ञात करना जो भी संख्या पद्धति का पार्ट है, और फैक्टर गुणनखंड को डिसाइड करना यह भी संख्या पद्धति का पार्ट है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा वेराइट होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पर वह चीज़ फैक्ट में एकदम से समझ में आनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद में आगे बढ़ने की सब कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और नंबर सिस्टम से रिलेट करके चलूँगा, जैसे सिक्वेंस एंड सीरीज का प्रयोग। इस पर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यह भी संख्या पद्धति का ही पार्ट है। इसके साथ साथ जो कुछ भी ऊपर देखा उन सभी का वर्ड्स प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि आपको शब्दों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जो स्टेटमेंट नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं, संख्या प्रणाली के ही पार्ट हैं, उन थ्योरेटिकल बड़े शब्दों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, उनको कैसे हल किया जाएगा। इस सब चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ हम सभी का मिसलेनियस जरूर कराएंगे, विविध, विविध सब कुछ इंक्लूड करेगा, और विविध को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। इसलिए जब भी कभी चैप्टर आप इंडप करिएगा तो वहाँ पर जब मिसलेनियस पढ़ेंगे तो उसमें आपकी जो है मतलब उसमें समझने का जो हमारा उस समय हमारी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बहुत ही खास होनी चाहिए, बहुत ही वैल्यूएबल होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए
अब जब हम अंकों को सीख जाएंगे, अंकों को समझ जाएंगे, तो हम लोग की शुरुआत कहाँ से होगी? बेसिक कैलकुलेशन से। अब आपने पढ़ा है कि जो भी हम संख्याएं पढ़ेंगे, हालांकि वहां पर जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो प्रॉपर वर्गीकरण मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आमतौर पर आपने किसी भी संख्या के तीन रूप जरूर नोटिस किए होंगे। एक तो आपने नोटिस किया होगा कि हर संख्या पूर्णांक की तरह लिखी जाती है, जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, भिन्न की तरह नहीं होती है। दूसरी संख्या आपकी डेसिमल दशमलव की तरह होती है, और तीसरी तक संख्या आपकी भिन्न की तरह होती है। इन तीन प्रकार के नंबर्स का जितना भी बेसिक कैलकुलेशन हो सकता है, चाहे वो पूर्णांक का हो, चाहे दशमलव का हो, चाहे भिन्न का हो, उस प्रकार की संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, सर्ड्स मतलब आपके जो है करड़ी का प्रॉपर प्रयोग, क्या आधारित सिस्टम है उसको पढ़ना। साथ साथ इनके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, भिन्नों के अलग टाइप्स भी होते हैं। इसका जितना भी प्रकार होगा, जितने भी प्रकार के शांत अशांत प्रकार के भिन्न, उनका पूरा यूज, साथ साथ इसकी भी अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम, इसकी भी अपनी जो है शब्द पर आधारित प्रश्न जो भी होंगे, वह सब भी हमारे इस पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन में जब खास करके वन डे एग्जामिनेशन में बैंक और एसएससी को दो रूपों में कैटेगराइज किया जाता है। कहा जाता है कि बैंक में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब चैप्टर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, लेकिन एसएससी में ज़्यादा होती है। एसएससी में थ्योरेटिकल ज़्यादा यूज किया जाता है, जबकि बैंक में न्यूमेरिकल ज़्यादा यूज किया जाता है। इसलिए बैंकिंग की परीक्षा को पढ़ने के दौरान हमें शॉर्ट ट्रिक्स की बड़ी आवश्यकता होती है, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पर बैंकिंग एसएससी के कम्बिनेशन को अगर लेके चलेंगे, तो हम पूरा यूपी ट्रिपल एससी या जितनी भी आधारित वन डे एग्जामिनेशन की परीक्षाएं हैं, सबको हम प्रॉपर वे में कनेक्ट कर पाएंगे, सबको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य रहेगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक रहेगा, मतलब हम पूरी तरह से चीज़ों को सीखेंगे गहराई से। भाई, आपको ट्रिक या कोई भी इमेजिनेशन पावर या किसी भी प्रकार की कोई क्षमता ऐसी हो जिससे कि आप प्रश्नों को बहुत जल्दी देख करके हल कर पाएं, वह तभी आपके अंदर आती है जब आपके अंदर वो क्षमता हो, उस सब्जेक्ट के बारे में बेहतरीन नॉलेज हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ये सब कुछ है तभी ये पॉसिबल है, तभी यह करा जा सकता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले ट्रेडिशनली प्रॉपर चीज़ों को पढ़ेंगे, उस पर संबंधित जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगी उसको सीखेंगे, जो भी हम चीज़ों को इमेजिनेशन पावर पर लेकर के जाकर के आंसर कर सकते हैं उसको सीखेंगे, लेकिन सबका आधार कॉन्सेप्ट ही है। तो मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहेगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे मैं पाठ्यक्रम के अगले हिस्से पर चलता हूं, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशन पढ़ा, क्योंकि यहां पर मैं इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहा था कि जब हम कभी कैलकुलेशन को समझाएंगे सिखाएंगे, तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर सिखाएंगे, मतलब इतने शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे कि ओरल आंसर करे जा सके, उत्तर जो है देख करके प्रश्नों को किया जा सके। उन कैलकुलेशंस का जो यहाँ पर आपने अभी पिछले देखा, उनका प्रयोग एक चैप्टर जो कि खासकर बैंकिंग में आता है, लेकिन आजकल तो हर परीक्षाओं में इसका यूज है, बोडमास रूल, मतलब इसको हम सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण की तीन क्राइटेरिया मैंने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है, बोडमास रूल, बेसिक अलजेब्रा और सर्ड्स एंड इंडिसेस, घात और करड़ी। तो बेसिक अलजेब्रा में सामान्य आपका जो बीजगणित है, सामान्य बीजगणित भी प्रयोग होगा, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जितनी भूमिका बीजगणित की है, जितनी आवश्यकता बीजगणित की, उसको यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर घात और करड़ी को भी हम यहाँ पर लेकर के कंप्लीट कर, हालांकि यह भी अलजेब्रा में काफ़ी हद तक कवर किया जाता है, लेकिन जहाँ जरूरत जैसी है उस हिसाब से उतनी चीज़ें आपको पहले से भी बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। आगे मैं बढ़ूंगा। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हालांकि नंबर सिस्टम का ही एक तरह का पार्ट हैं, नंबर से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस इनकी चैप्टर में बहुत ज़्यादा होती है, कोर्स में बहुत ज़्यादा होती है, एलसीएम एससीएफ, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका प्रयोग बेसिक कैलकुलेशन में भी किया जाता है। बिना एलसीएम के भिन्नों के जोड़ को सोच ही नहीं सकते, तुलना को सोच ही नहीं सकते, आपने देखा होगा। तो अब एलसीएम एससीएफ को समझेंगे, उसका सही सही साध्विक अनुप्रयोग कहाँ पर होगा, इसको भी जानने की जरूरत होगी। तो इन चीज़ों को हम एलसीएम एससीएफ पे कंप्लीट करेंगे, साथ साथ एवरेज जो औसत एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी हम लोग देखेंगे, और बाद में एडवांस मैथ्स पे रिलेट करेगा जब हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी औसत का प्रयोग बनकर सामने आएगा, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। अब देखिए, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स को पढ़ने के दौरान, मतलब अंकगणित को पढ़ने के दौरान, हमसे कहा जाता है दो ही चैप्टर मुख्य होते हैं, एक तो आप पूरे परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ लीजिए। दो चैप्टर्स अगर प्रॉपरली पढ़ लिए तो हमारा काम हो गया, क्योंकि ये सब कुछ लगभग कवर करते हैं। तो इसलिए जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं तो बड़े ही अटेंटिव होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, और प्रतिशत को पढ़ाने के दौरान हम आपसे भी अटेंशन की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। हम इसमें पूरे परसेंटेज के दौरान, पूरे प्रतिशत के दौरान हम आपको सरलीकरण पर आधारित कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि परसेंटेज का प्रयोग टोटली होगा। कन्वर्जन बेस्ड आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, जिसमें आप
भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट या प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्जन, इस प्रकार के कन्वर्जन को सीखेंगे, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी पूरे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हम यही दो चीज अगर सीख कर चलेंगे तो हमें और कहीं कोई समस्या नहीं होगी, इतनी मैं आपको सियोरिटी दे रहा हूँ। आपको इसी का प्रयोग करते हुए कंपेरिजन मतलब तुलना करना होगा, आय तथा व्यय के प्रश्नों को हल करना होगा, ये एग्जाम के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा जिसमें फेल पास रहेगा, बीसीओ के मार्क्स पर आधारित प्रश्न रहेगा, और भी अन्य प्रकार के जैसे इसमें वेन डायग्राम का भी प्रयोग रहेगा, कई सारी चीजें होती हैं। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहेंगे, मिश्रण पर आधारित रहेंगे, साथ साथ देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि विविध भी रहेगा, मिसलेनियस भी रहेगा। तो इन सब का यूज परसेंटेज के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेगा। जैसे कहीं कहीं किताबों में परसेंटेज को एक चैप्टर नहीं माना जाता है, उसको एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसका जो प्रयोग है वो निम्नलिखित चार चैप्टर में किया जाता है, कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हमें यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ना है, यहाँ टोटली हमें परसेंटेज पे ही डिपेंडेंट रहना है। तो मैं प्रतिशत को ही इनसे रिलेट करके आगे बढ़ूंगा, प्रतिशत को ही पढ़ने के साथ साथ आप इसको भी कवर कर पाएंगे आराम से। अब दूसरा जो चैप्टर है वो अनुपात और समानुपात है। अगर भिन्न को देखिए, प्रतिशत को देखिए और साथ साथ अनुपात समानुपात को, तीनों को एक ही रूप दिया जा सकता है, एक ही नाम दिया जा सकता है। अनुपात समानुपात की इंपॉर्टेंस प्रतिशत से कहीं कम नहीं होती है। इवन जब हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, प्रतिशत के भी प्रश्नों को हल करेंगे, तब भी हम अनुपात समानुपात का प्रयोग करेंगे, इसमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट मतलब दोनों अनुपात और समानुपात के सिद्धांत, यहाँ पर दोनों के ऊपर आधारित जो बेसिक कैलकुलेशंस हो सकते हैं, इनका प्रयोग एज रिलेशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो किसी भी परीक्षा के लिए, मैं बता दूं जहाँ जिस परीक्षा में मैथ नहीं आती वहाँ भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। पार्टनरशिप, साझेदारी, ये चार पार्ट मतलब ये पूरे सारे पार्ट जो भी, जो कि मैं अभी एक तरह का एक टोटल डिटेल नहीं दे रहा हूँ, छोटा सा डिटेल दे रहा हूँ जिसमें चीज़ों को बस केवल एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये जब चीज़ें जब शुरू होंगी, जिस चैप्टर की शुरुआत होगी, उस दिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, प्रॉपर इसकी थ्योरी को बताया जाएगा। चाल दूरी समय इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अर्थमेटिक का, जिसमें ट्रेन कॉन्सेप्ट, बोट एंड स्टीम, नावधारा इसी के साथ इंक्लूड होता है, इसी के साथ कंटिन्यूड होता है। आगे बढ़ते हैं समय और कार्य। समय और कार्य इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने देखा कि इसका भी यूज हर परीक्षा में हम देखते हैं, इसके भी लगभग प्रश्न आते हैं। यह इंक्लूड करता है पाइप एंड सिस्टम को, मतलब नल एंड टंकी को, पाइप एंड सिस्टम को भी इंक्लूड करेगा, नल और टंकी के प्रश्न इसी पर आधारित होते हैं, इसलिए इसको पढ़ने के साथ साथ इसको भी हम कंटिन्यू कर पाते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सर लेते हैं और यहीं पर अर्थमेटिक की एंड कर देते हैं, अर्थमेटिक यहीं पर समाप्त हो जाती है। जब हम एलिगेशन और मिश्रण पढ़ा देते हैं तो अब कहते हैं भैया आज से अर्थमेटिक फिनिश हो गई, अब अर्थमेटिक का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा में भी देखिए क्या क्या चीज़ है। अलजेब्रा बेसिक तौर पर, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, यह समीकरण को ही एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट होता है। समीकरण की सही व्यवस्था क्या है, समीकरण का सही प्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, इसका बहुपद से कॉन्सेप्ट रिलेशन कैसा है, यह बहुपद से किस प्रकार से संबंधित है, समीकरण एक घात पर है कि दो घात पर है, कि एक घात पर भी है तो एक चर वाले हैं कि दो चर वाले हैं, दो घात पर है तो उनके पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, इनका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टाइप्स, पूरे प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। साथ साथ करड़ी का प्रयोग अभी देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें शेषफल और गुणनखंड का पूरा कॉन्सेप्ट, काउंटिंग फैक्टर्स काउंट कॉन्सेप्ट, जिसमें आप चाहे फैक्टर्स अगर काउंट करेंगे तो संख्या पर भी आधारित रहेगा और अलजेब्रा पर भी आधारित रहेगा, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड हम काउंट करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, इवन काउंट करेंगे मतलब सम लेंगे, देखिए प्राइम मतलब अभाज्य हम काउंट करेंगे, कुल काउंट करेंगे, कुल कितने गुणनखंड हैं, सम कितने गुणनखंड हैं, विषम कितने गुणनखंड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट करके तब आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी परिस्थितियों को फेस करने के बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमारा जो अगला चैप्टर देखिए, जिसको एडवांस का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, ज्यामिति। ज्यामिति जिसको हम इंग्लिश में अगर हम प्रोनाउंसिएट करें तो जियो प्लस मिट्रियान कहते हैं, मतलब अर्थ का मेजरमेंट ज्यामिति होती है। अर्थ के मेजरमेंट को मेजर करने का सिस्टम यूक्लिड ने प्रोवाइड किया, उनको ज्योमेट्री का फादर बोला गया, जो कि डिस्कशन में रहेगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर हम लोग किसी एक फिगर को मेजर करने के लिए, जिस फिगर को हम टू डायमेंशनल भी बना सकते हैं, थ्री डायमेंशनल भी बना सकते हैं, हर प्रकार के फिगर को मेजर करने के लिए हम ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ते हैं। लेकिन इसके भी कुछ बेसिक इकाइयाँ होती हैं कि कोई फिगर तभी बनेगा जब किसी समतल पर एक बिंदु होगा, एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी,
एक रेखा को दूसरी रेखा से जोड़ने वाला कोण होगा। अगर यह तीन बिंदु रहेंगे तो कोई आकृति बनेगी। आकृति जब बन गई तो उसमें हम सबसे पहले जो आकृति के बारे में डिस्कशन करेंगे वह एक क्लोज्ड फिगर, मतलब हम पॉलीगन के बारे में डिस्कस करेंगे। और पॉलीगन को हम एक्सप्लेन करते हुए, पॉलीगन मतलब बहुभुज जिसको कहते हैं, वो बंद आकृति होती है। पूरे फिगर को जब हम समझाएंगे तो वहां पर वह बात स्पष्ट हो पाएगी। त्रिभुज, जितने भी उसके अन्य प्रकार हैं, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं, जितने भी स्थिति सर्कल की होगी, साथ साथ सर्कल का सब में कॉम्बिनेशन, वृत्त आपका त्रिभुज के साथ अंदर बाहर, चतुर्भुज के साथ अंदर बाहर यूज किया जाएगा, तब जाके आपकी ज्योमिति ज्योमेट्री ओवर होगी। ज्योमेट्री में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले भी कि बहुभुजों के बारे में, जितने भी प्रकार के बहुभुज हैं जो कि हर परीक्षा में 1 से 2 मार्क्स आपके कंटेन करते हैं, तो बहुभुज का जो सिस्टम है उसको भी हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। मेंसुरेशन, पूरे क्षेत्रमिति की बात करें, जहाँ पर क्षेत्रफल को, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर परिमाप को और आयतन को हम मेजर करते हैं, वो चाहे 2 डायमेंशनल फिगर हो, चाहे 3 डायमेंशनल फिगर हो, सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज, वृत्त के बारे में, खडभुज के बारे में, इधर आए तो घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, सब के बारे में। घनाभ को क्यूबाइट कहें, क्यूब कहें, सिलेंडर कहें, कोन कहें, स्फीयर कहें, प्रिज्म कहें, पिरामिड कहें, तो जितने भी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, मतलब 3 डायमेंशनल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके संपूर्ण मेजरमेंट्स को हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा ही ब्रॉड होता है, चाहे वो त्रिभुज का, चाहे उसकी सर्वसमिकाओं पर आधारित हो, मतलब उसके नियमों पर, उसके कोणों के कॉन्सेप्ट पर, साथ साथ उसका जो अनुप्रयोग होता है, जैसे हम कहते हैं त्रिभुज, त्रिकोणमिति का यूज क्या है लाइफ में, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो हम यही बताते हैं भैया इसका जो एप्लीकेशन है वह है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी का प्रयोग हम लोग त्रिभुज पर आधारित लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति 2013 तक तो आता ही नहीं था परीक्षाओं में, लेकिन आजकल हर परीक्षा में पूछे जाने लगा है। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन मतलब आप ये समझ जाइए कि जैसे हम निर्देशांक का मतलब ही हो गया किसी एक 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी एक सतह पर किसी एक बिंदु की लोकेशन को रीड करेंगे, उस लोकेशन का इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बनाने के लिए मिरर कौन है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, कि ओरिजिन है, कि कोई लाइन पैरेलल है, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना, उसकी लोकेशन को एक्सेस करना निर्देशांक में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन दूरी का विभाजन सीखना, उस जो दूरी के थ्रू जो इक्वेशन सरलरेखा बनी उसका समीकरण ज्ञात करना, उन सरलरेखाओं के लंबवत स्थिति और समांतर स्थिति को नोटिस करना, ये पूरा आपका निर्देशांक का पार्ट रहेगा। निर्देशांक में इस चीज़ को पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ भी कुछ एडवांस पोर्शन होते हैं, जैसे क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और साथ साथ यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ सेट थ्योरी, ये सब भी आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा। मैंने जो जो बातें यहाँ पर मेंशन करी है वह सारी बातें मैं आपको कोर्स के दौरान सिखाऊंगा, उन सारी बातों को लेकर के मैं आपको कमिटमेंट करूंगा। इतनी सारी बातों के साथ साथ अंतिम में सांख्यिकी, जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, जो भी स्थिति परिस्थिति बन सकती है सांख्यिकी की, जिसमें हम आंकड़ों का आकलन करेंगे फिगर के थ्रू, मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन में चाहे हम उसके लिए बार ग्राफ बनाएं, चाहे पिक्टोग्राम बनाएं, चाहे डायग्राफ बनाएं, चाहे हम लोग जो है पाई चार्ट बनाएं, कोई भी प्रकार का जो फिगर होगा, जहां से फिगर से क्वेश्चन को ट्रेस किया जाता है, जो किसी किसी परीक्षा में एक ही फिगर पर चार चार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहां पर कंपटीशन के लिहाज से कंपटीशन की तरह इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। ये हमारा हिस्सा था पाठ्यक्रम का, ये हमारे कंटेंट था जो मुझे आपको डिलीवर करना है अपने इस पूरे कोर्स के दौरान। मैं इस पूरे कोर्स को कराने के लिए मैंने आपसे कहा कि हम आपको जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम आपको जो डिलीवर करेंगे, उस डिलीवर में हम आपको 1.5 घंटे की पर डे जो क्लास दे रहे हैं उसमें मुझे 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। मतलब 4 से 5 महीने में अगर देखा जाए तो हम चीज़ों को कवर कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर मुझे लगेगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, कुछ और चीज़ों को कवर करना, तो वह सारी चीज़ें हम इतने ड्यूरेशंस का मानकर चल रहे हैं। इस पूरे दौरान आपको अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करना होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस सीट बनानी होगी, कॉपी बनानी होगी, जहां पर आप रेगुलर बेसिस पर रह करके हमसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लास को प्रॉपरली अंजाम देंगे। तो यह हमारा एक पाठ्यक्रम का अप्रोच रहेगा, क्योंकि आज मैं आपसे केवल पाठ्यक्रम डिस्कस किया हूँ, आपको मैं अपनी रूपरेखा बताया हूँ, अपना तौर तरीका बताया हूँ, किस प्रकार से हमें डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हमें जो है धैर्य रह करके चीज़ों को सीखना है, शुरू से लेकर अंत तक रहना है, ये सारी बातें हमने आपको बताया है। लेकिन इसके साथ साथ भी जरूरी ये है
कि हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी सीख लें। तो मैं इस लेक्चर में एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा कवर कर लें तो वह चीज़ें आपकी बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। आज के इस लेक्चर में मैं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा रीजन, छोटा सा सेक्शन कवर कराऊंगा, जो कि कहीं किसी किसी परीक्षाओं में बहुत ही प्रॉब्लम देता है। हमने यहाँ पर गुणनखंड को एक टॉपिक बनाया है कि गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना मतलब फैक्टर डिसाइड करना जो किसी नंबर का एक गुणनखंड, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सी जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखते हैं अबाउट द फैक्टर कि गुणनखंड है क्या। तो आप जान लीजिए गुणनखंड क्या है। गुणनखंड एक ऐसा संख्या समूह है जो कि दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक संख्या 12, तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसके जो गुणनखंड होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे कि वह संख्याएं जो 12 हों या 12 से छोटी हों, जो प्रत्येक 12 को पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दें, वह उसके गुणनखंड कहलाए। अब जैसे मैं बात अगर करूं यहां पर किसी भी संख्या के गुणनखंडों की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी संख्या के दो गुणनखंड फिक्स होते हैं। कोई भी नंबर है उसके दो गुणनखंड फिक्स होते हैं, एक तो वन और एक इटसेल्फ वह खुद ही, दो गुणनखंड फिक्स होते हैं। जैसे 12 की बात करूं तो 12 स्वयं का भी गुणनखंड है क्योंकि 12 को 12 से विभाजित किया जा सकता है। पहला गुणनखंड इसका एक है जो 12 बार जाकर के यहां पर इसको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। दूसरा गुणनखंड देखिए छोटी सी संख्या है तो हम समझ पा रहे हैं, दो है जो कि 6 बार इसको जाके डिवाइड करेगा। तीसरा गुणनखंड 3 है जो कि 4 बार इसको जाके डिवाइड करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12, यह इन संख्या 12 के गुणनखंड हो गए। अगर मुझसे कोई कहे कि कितने गुणनखंड हैं, तो मैं यहाँ पर काउंट कर पाया हूँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 गुणनखंड हुए। बट यह एक बहुत छोटी सी संख्या है। एक सिस्टम मुझे सीखना पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके लिए कि इसका फैक्टराइजेशन करें और अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम बात करें। अभाज्य अगर मैं गुणनखंडों की बात करूंगा तो सबसे पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं की जो होती है शुरुआत वह 2 से होती है। 2 होता है, देन आफ्टर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, यह सब संख्याएं आपकी अभाज्य है। अभाज्य की भी जानकारी एक और रख लीजिए कि अभाज्य में केवल एक संख्या होती है 2 जो कि सम संख्या भी होती है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबकी सब वो विषम संख्याएं होती हैं। अब अगर जैसे 12 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 12 का फैक्टराइजेशन जैसे किया जाता है, जैसे मैंने 2 से अगर पहले डिवाइड किया क्योंकि 2 से कट रहा था 6 बार गया, 2 से डिवाइड किया 3 बार गया, 3 से डिवाइड किया 1 बार गया, तो आपने देखा कि यह 2 की पावर 2 है गुणे 3 है। मतलब हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो उस 12 के गुणनखंड का सिस्टम कुछ ऐसे बन गया, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 बन गया। आपने 12 को अभाज्य के तौर पर नोटिस किया तो आपने 2 की पावर 2 गुणे 3 कहा। अब यहां पर अगर बात करें तो 2 को भी नोटिस करिए तो वह भी एक प्राइम नंबर है, और 3 की भी बात करिए तो वह भी एक प्राइम नंबर है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, अगर वह संख्या एक नॉर्मल संख्या है, वह खुद अभाज्य नहीं है, तो उस हर संख्या में 2 का प्रयोग और किसी ना किसी विषम संख्या का प्रयोग किया जाएगा, मतलब 2 मतलब एक सम संख्या का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए मेरे सामने यह 2a है और यह b है, यह अभाज्य संख्याएं हैं। इन अभाज्य संख्याओं की अपनी एक पावर है। क्या पावर है? जैसे इसकी पावर n है, इसकी पावर मान लीजिए m है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप कह दोगे सर m+1 × n+1। यह नियम होता है कुल गुणनखंडों को ज्ञात करने का। अगर हम पहले यहाँ पर इसको अभाज्य में ब्रेक कर दें, जो उनकी घाते हैं उनको एक एक बढ़ा करके गुणा कर दें, तो टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या बन जाएगी। इसमें देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो मैं 2+1 कर दूं गुणे 1+1 कर दूं, तो 2 × 1 = 3 होता है, गुणे 2 कर दीजिए 6 हो गया। कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए आपकी कितनी बनकर आई थी, 6 बनकर आई थी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल दिया, यहाँ पर 6 आया। अब हमसे कोई कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, देखिए हम तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या,
अब इसके लिए बस सिंपली आपको m प्लस n कर देना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली m प्लस n कर देना पड़ेगा। तो दो बार दो है, एक बार तीन है, तो दो एक तीन कर दीजिए। आपने m प्लस n कर दिया तो दो प्लस एक कर दिया, कितना हो गया, तीन हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछेगा इवन फैक्टर कितने हैं, प्राइम इवन फैक्टर कितने हैं, मतलब आपके सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंड, और दूसरा आपसे कोई पूछेगा आड गुणनखंड मतलब विषम गुणनखंड कितने हैं, तो इनको कैसे ज्ञात किया जाएगा। इस समय आप सम का रूल मत अप्लाई करिए, आप सिंपली विषम का रूल अप्लाई करिए। विषम का रूप कैसे अप्लाई किया जाएगा, रूल अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए आप नोटिस करिए कि दो यहां पर इवन था और तीन यहां पर क्या था, यहां पर ऑड था, तीन यहां पर क्या था, ऑड था। ऐसी दशा में आपको यहां पर क्या करना, अभी मैं उसको वेरीफाई भी करा दूंगा, आपको समझ में आएगा। आपको सबसे पहले जितनी इसकी पावर हो, जो विषम की जो पावर हो, उसमें एक जोड़ दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए ऑड गुणनखंडों की संख्या दो हो गई, ऑड गुणनखंडों की संख्या अगर दो हो गई तो हम इवन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल हमारे पास कितना था, छः, छः में से दो घटा दीजिए तो सम गुणनखंडों की संख्या चार हो गई। आपको बस इतना ही अप्लाई करना है, जैसे देखिए आपके इस क्वेश्चन के थ्रू वेरिफिकेशन करें तो टोटल देखिए छः आ रहा है, टोटल छः। अभाज्य की बात करें तो अभाज्य दो है, तीन है, तो अभाज्य कितने हो गए, दो है, तीन है। अभाज्य अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं तो दो का प्रयोग अगर देखा जाए तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो दो एक आपके पास कितना बनकर आया था, तीन आया था, क्योंकि दो दो बार था और तीन थी। यहाँ से हम अभाज्य को नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सम गुणनखंडों की बात करेंगे और विषम गुणनखंडों की बात करेंगे। तो हमने विषम को देखा तो दो और एक, दो और एक, और आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे अभी हम लोगों ने नोटिस किया कि ऑड गुणनखंड हमारे पास यहां पर कितना आ रहा है, दो आ रहा है। तो आप अपने इस प्रश्न में देखिए तो आपके पास विषम में देखिए तो तीन है और एक है जो कि आपके विषम है, बाकी एक दो तीन चार ये सब आपके क्या हैं, सम गुणनखंड हैं जो कि हमने ज्ञात किया। यह एक कॉन्सेप्ट था इसका, इस कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा साठ है, साठ है, मैं यहां पर देखिए क्या क्या पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन में कि कुल गुणनखंड मतलब टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जा सकता है, अभी मैं इसके बाद वेरीफाई भी इसको कर दूंगा तो समझ में सारी बातें आपको आ जाएगी। अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, इसके बाद क्या पूछेगा हमसे, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया अगर 60 का, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या होगा, इतना करना भर आना चाहिए और हम इतनी मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं कि सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 कर दूं, इंटू 3 कर दूं, इंटू 5 कर दूं, दो दूना चार तिया 12 पंचे 60, तो यह आपके पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास तीन प्राइम नंबर का प्रयोग किया गया, एक दो तीन, मतलब तीन प्रकार के, तीन मत बोलिए, तीन प्रकार के प्राइम फैक्टर्स का प्रयोग किया गया, जिसमें दो आपका सम है, तीन और पांच विषम की तरह काम कर रहे हैं। अब आपको ध्यान दीजिए करना क्या है, इसकी पावर दो है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है। कुल गुणनखंडों की बात करेंगे तो लिखेंगे दो प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, कुल गुणनखंड हो गए तीन गुणे दो गुणे दो, तीन दूना छः दूना बारह, बारह तो कुल गुणनखंड हो गए, मतलब इसका आंसर हो गया आपके पास 12। अब बात आएगी अभाज्य गुणनखंड, आप लिखोगे यहां पर 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 1 4, मतलब आपको सिंपली घातों को जोड़ देना पड़ेगा, 2 1 3 1 4 अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आता है सम और विषम गुणनखंड, तो मैंने कहा सम मत निकालिए, रूल से मत जाइए, आप डायरेक्टली पहले विषम निकालिए। तो विषम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है दो ही एक इवन है, बाकी यह भी ऑड है, यह भी ऑड है, इसकी पावर देखिए कितना है, एक है, इसकी पावर एक है, तो जो मैंने अभी प्रोसेस अप्लाई किया था उसी प्रोसेस को यहां अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस एक दो हो जाएगा, एक प्लस एक दो हो जाएगा, दो दूना चार हो जाएगा, मतलब जो विषम गुणनखंड चार हो गए तो सम गुणनखंड आप 12 में से चार घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा वेरीफाई कर ले जिससे कि सारी बातें स्पष्ट हो जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
60 के अगर हम गुणनखंडों को नॉर्मली सोचें तो एक था 60 था, दो था 30 था क्योंकि ये छोटी संख्या है तो हम इतना तो चेक ही कर सकते हैं, तीन था 20 था, चार था 15 था, पाँच था 12 था, तो ये सारे गुणनखंड आपके पास हो गए, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा इसके साथ साथ 10 भी होगा, इसमें 10 भी होगा, एक दो तीन चार पाँच 10, 10 छः बार, तो मतलब 6 भी होगा, एक सेकंड, तो आप इसके सभी गुणनखंडों को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो 60 है मेरे सामने, अगर हम इसको ऐसे वेरीफाई करें, एक 60 बार, दो 30 बार, आपका तीन 20 बार, चार 15 बार, पाँच 12 बार और छः 10 बार, इस प्रकार से हम सभी गुणनखंडों को डिसाइड कर सकते हैं। अब आप सभी गुणनखंडों की संख्या देखिए कुल कितनी बनकर आ रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मैच कर गया, ठीक है। हमसे कहा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, देखिए हमने देखा चार है, कौन कौन अभाज्य, दो है तीन है, अब इसके बाद पाँच है, दो है तीन है पाँच है, अब इसमें देखिए इस तरह से अभाज्य को अगर हम नोटिस करें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि दो का प्रयोग दो बार किया गया था, इसलिए यहाँ पर दो था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, तो चार अभाज्य गुणनखंड हो गए, भी सही है। विषम गुणनखंडों की बात करें तो विषम में एक है, तीन है, पाँच है और कौन है, 15 है, तो आपके चार विषम हो गए, बाकी आपके आठ क्या हो गए, सम गुणनखंड हो गए, सम गुणनखंडों को आपने ज्ञात कर लिया। तो कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर सम विषम गुणनखंडों की बात की जाएगी या कुल गुणनखंडों की बात की जाएगी तो आप लोग निकाल देंगे, तो आप लोग ऐसे ही तमाम सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आपको यह बातें समझ में आ गई हैं तो मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग करके मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 120 है, 500 है, 1225 है, सॉरी 1024 है, आपको यह तीन नंबर हम दे रहे हैं, आपको जो ज्ञात करना है टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड और ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, इतना आपको कंप्लीट करके हमें बताना है। आप कमेंट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें बता सकते हैं, इन तीन संख्याओं के लिए आप लोग को टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, इनकी जानकारी हमें देनी है। तो यह आज एक शुरुआत है जिसमें हमने एक डमी इंट्रोडक्शन दिया, एक जानकारी दी आपको कि बैच की क्या रूपरेखा होगी, किस प्रकार से हम एक तौर पर किस प्रकार की एक स्थिति में रह करके आपकी क्लास को हम संचालित करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम जो शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी, इसमें हम आपका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम आपको भी समझेंगे कि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, हमारी भी स्थिति परिस्थिति आप समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे मैथ को मैथ की तरह, कैसे कहाँ से शुरुआत होगी उसकी जानकारी हम आपको, कैसे कंप्लीट करना है और किस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन से हमें मतलब बेसिक तौर पर हमें शुरुआत करनी है, आप एक्चुअल मैथ का मेजरमेंट कल की क्लास से सीख पाएंगे कि सही सही मैथ क्या है और मैथ की भूमिका को हम किस प्रकार के कंपटीशन में लेकर चलेंगे और क्या हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होगा उस टॉपिक का, ये सारी बातें हम लोग शुरू करेंगे। तो मैथ को फील करने के लिए आप कल की क्लास करिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। आज इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।